नमस्कार दोस्तों मैं सोनू कुमार एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 900 क्वेश्चन की यानी एक वीडियो के अंदर ही कंप्लीट हरियाणा करंट अफेयर करवा दिया है मैंने अगर आप हरियाणा का कोई भी एग्जाम देने वाले है तो आपको वीडियो जरूर देखनी चाहिए क्यूँकी हरियाणा के एग्जाम में यहाँ से पांच से सात क्वेश्चन जरूर आते हैं और वो पांच से सात क्वेश्चन इन नौ क्वेश्चन में से ही आ जाएंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है जैसे सी का एग्जाम आने वाला है और एच टेट और टीजी का एग्जाम आने वाला है तो इन सभी के लिए ये इंपोर्टेंट रहेगा इसकी पी डी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में आपको सभी क्वेश्चन डिटेल में मिल जाएंगे आप उन्हें पढ़ सकते हैं बस आप एग्जाम से पहले इन 900 क्वेश्चन को पढ़ लेना इसके अलावा कोई भी हरियाणा कंटेयर की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है मैं आपको बता देता हूँ जो इन नौ क्वेश्चन है वो किस तरह से है एक से लेकर 223 तक क्वेश्चन हैं 2020 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और 224 से लेकर चार तक क्वेश्चन हैं 2021 हरियाणा करंट अफेयर की और चार से 900 तक हैं 2022 की हरियाणा करंट अफेयर की अब मान के चलो आपको 2022 का करंट अफेयर पढ़ना है तो आप क्या करोगे? सीधा चार सौ बहत्तर क्वेश्चन से स्टार्ट कर दोगे या फिर दो का पढ़ना है तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर दोगे तो इस तरह आप किसी भी साल का करंट अफेयर पढ़ सकते हैं तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है हरियाणा के किस बस स्टैंड का नाम सुषमा स्वराज बस स्टैंड रखा गया तो बताइए इसका आंसर क्या होगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा अंबाला शहर आंसर क्या होगा बी ये बात आपको ध्यान में रखनी है क्या है अंबाला शहर अगला क्वेश्चन है रानी रामपाल को 2020 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पदम आंसर क्या होगा ए अगला क्वेश्चन है रानी रामपाल का संबंध हरियाणा के किस जिले से है अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस व्यक्ति को मरणोपरांत दो हजार बीस का पद्म विभूषण पुरस्कार मिला तो बताइए इसका आंसर क्या होगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सुषमा स्वराज आंसर क्या होगा बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम एथलेटिक ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता तो बताइए इसका इसका आंसर 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 क्या क्या होगा होगा तो फ्रेंड आ जाएगा रानी रामपाल बी अगला क्वेश्चन है रानी रामपाल वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली वर्ल्ड की कौन सी हॉकी खिलाड़ी बनी है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ, तो आ जाएगा पहली आंसर क्या होगा ए अगला क्वेश्चन है 2018 के एशियन गेम समापन समारोह में भारत का ध्वज वाहक कौन था तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा रानी रामपाल आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है 2018 के एशियन गेम ओपनिंग सेरेमनी में भारत का ध्वज वाहक कौन था पहले समापन का पूछा गया था अब है ओपनिंग का तो कौन था ये नीरज चोपड़ा आंसर क्या हो गया बी तो आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है जो नीरज चोपड़ा है ये किस खेल से संबंधित है बताइए अगला क्वेश्चन है चौंतीसवें सूरज कुंड मेला 2020 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया तो बताइए इसका आंसर तो आ जाएगा रामनाथ कोविंद आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है 26 से 28 जनवरी 2020 तक छठे वार्षिक सब्जी प्रदर्शनी मेले का आयोजन कहां किया गया तो ये कहां पे किया गया बताइए तो फ्रेंड ये किया गया घरों में आंसर क्या हो गया ए e. और घरों में कहा किया गया सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में अगला क्वेश्चन है कला और सांस्कृतिक कवरपाल गुज्जर आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में सीआईडी विभाग किसके पास है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा मनोहर लाल खट्टर आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया युवा खेल 2020 में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते तो तो बताइए इसका इसका आंसर 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 क्या क्या आएगा फ्रेंड आ जाएगा 200 पदक हो गया बी और कौन से स्थान पे रहा दूसरे स्थान पे और 2019 में कौन से स्थान पे था उसमें भी था दूसरे स्थान पे लेकिन दो में कौन से स्थान पे था पहली अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया युवा खेल दो में हरियाणा कौन से स्थान पे रहा

अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया युवा खेल 2019 में 20 व में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा तो बताइए इसका इसका आंसर आंसर क्या आएगा तो आ जाएगा महाराष्ट्र आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है मिनी सूरज कुंड मेले की तर्ज पर कौन सा महोत्सव हुआ तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सरस्वती महोत्सव आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव फरवरी से उनतीस फरवरी दो हजार बीस तक कहां बी और आदि बदरी कहाँ पे है यमुना नगर में अगला क्वेश्चन है अंबाला बस स्टैंड का नाम किस व्यक्ति के नाम पे रखा गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सुषमा स्वराज आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है बत्तीसवा दीक्षांत समारोह कहां पर आयोजित किया गया तो ये कहां पे किया गया बताइए तो फ्रेंड ये किया गया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आंसर क्या होगा ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों में से कितनी सीटें आरक्षित हैं तो ये कितनी है बताइए तो फ्रेंड ये है सत्रह आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कुल दस लोकसभा सीटों में से कौन सी सीटें आरक्षित हैं तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा अंबाला और सिरसा तो आंसर क्या हो गया ए और बी दोनों आंसर no. हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कुल दस लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें आरक्षित हैं तो ये कितनी सीटें हैं बताइए तो फ्रेंड ये है दो आंसर क्या हो गया बी और जो विधानसभा की सत्रह सीटें आरक्षित हैं वो कौन सी हैं आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन है हरियाणा के 22 जिलों में से कितने जिलों की विधानसभा सीटें आरक्षित नहीं हैं तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आंसर आ जाएगा क्या हो गया? बी और वो पांच जिले कौन से हैं आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है 2020 में हरियाणा के किस खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं आंसर क्या हो गया डी वैसे इसका आंसर क्या आता है रानी रानी रामपाल रामपाल ऑप्शन में नहीं है तो क्या आंसर आ जाएगा डी इनमें से कोई नहीं अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा हरियाणा के किस अधिकारी को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ए और बी दोनों आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में बीजेपी पार्टी के नए प्रदेशाध्यक्ष कौन बने हैं तो ये कौन है बताइए तो फ्रेंड ये है ओपी धनखड़ आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2020 गणतंत्र दिवस पर मनोहर लाल खट्टर ने कहा पर ध्वज फहराया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा जींद आंसर क्या होगा डी अगला क्वेश्चन है 12 जनवरी 2020 को हरियाणा में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर रन फॉर यूथ मैराथन का आयोजन कहां पर किया गया तो ये कहां पर किया गया बताइए तो फ्रेंड ये किया गया रिवाड़ी में आंसर क्या हो गया बी और इसको हरी झंडी किसने दिखाई मनोहर लाल स्वर्ण पदक किसने आएगा तो, तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है रोम रैंकिंग रेसलिंग 15 से 18 जनवरी 2020 तक कहां आयोजित की गई तो ये कहां पे की गई थी बताइए तो फ्रेंड ये की गई थी इटली में आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है अमेरिका की फोर्ब्स पत्रिका ने 2020 में दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में दुष्यंत चौटाला को कौन सा स्थान मिला तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सातवां आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है 2020 में हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा व विधवा पेंशन 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर अच्छा आ जाएगा बाईसो पचास आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है मई 2022 में हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा व विधवा पेंशन हर महीने कितने रुपए देती है तो हरियाणा सरकार मई 2022 में कितने रुपए महीना देती है बुढ़ापा व विधवा पेंशन तो फ्रेंड ये देती है पच्चीसो रुपए आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से जिले को नगर पालिका से नगर परिषद का दर्जा दिया गया तो बताइए इसका आंसर अच्छा क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर अच्छा आएगा झज्जर आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है झज्जर ऐसा कौन सा जिला बना है जहां दो नगर परिषद हैं तो ऐसा कौन सा जिला बना है बताइए तो फ्रेंड ये बना है चौथा आंसर क्या होगा डी तो इससे पहले तीन कौन से थे नंबर एक तो था पलवल जिसमें एक तो पलवल खुद हो गया दूसरा होडल हो गया दूसरे नंबर पे था फतेहाबाद जिसमें पहला फतेहाबाद हो गया दूसरा हो गया तीसरे नंबर पे था जींद जिसमें एक तो जींद हो गया और दूसरा हो गया निर्वाणा और चौथा कौन सा बन गया झज्जर जिसमें एक झज्जर हो गया दूसरा भादुरगढ़ तो इन सभी में दो दो क्या है नगर परिषद आगे आपको बात समझ में अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नीमन में से किस जिले में दो नगर परिषद हैं तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड क्या, क्या हो जाएगा आंसर उपरोक्त सभी आंसर क्या होगा ई अगला क्वेश्चन है अनीता कुंडू ने 1 जनवरी 2020 को विश्व के कौन से महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर फतेह हासिल की थी तो बताइए क्या एगा? तो फ्रेंड आ जाएगा बी दक्षिणी अमेरिका आंसर क्या हो गया बी और एक क्वेश्चन ये भी आता है जो अनीता कुंडू है इनका संबंध कहां से है तो कहां से है हिसार से बात करें गांव की तो गांव है इनका फरीदपुर गांव अगला क्वेश्चन है 2019 का जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर किसे मिला तो ये किसे मिला बताइए तो फ्रेंड ये मिला दीपक पुनिया को आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है 2020 में प्री बजट परामर्श बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी तो ये कहाँ पर आयोजित की गई थी बताइए तो फ्रेंड ये की गई थी गुरुग्राम में आंसर क्या हो गया डी हरियाणा हैंडबॉल टीम के नए कप्तान कौन है तो ये कौन है बताइए तो ये हैं वकील सिंह आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है 32वीं हरियाणा स्टेट सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2020 में कौन सी टीम चैंपियन बनी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा हिसार आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है बेंगलुरु में संपन्न हुई राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता 2020 में गोल्ड मेडल किसने जीता तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा गीतांशु आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है 2020 में हरियाणा विधानसभा का पहला स्तर कब से कब तक चला था तो बताइए क्या क्या तो फ्रेंड ये चला था 20 से 22 जनवरी आंसर ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने किस वर्ष को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा दो आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा का लाल डोरा मुक्त होने वाला पहला गांव सिरसी कौन से जिले में आता है तो किस जिले में आता है बताइए तो फ्रेंड ये आता है करनाल में आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा का बनने वाला पहला डिजिटल गांव गुरावड़ा किस जिले में आता है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा रेवाड़ी आंसर क्या हो गया सी देखो जो गुरावड़ा है हरियाणा का तो पहला डिजिटल गांव है अगर बात करें भारत की तो भारत का है ये पांचवा तो भारत का पहला कौन सा है तो पहला गांव है अकोदरा और अकोदरा गांव कहाँ पे पड़ता है गुजरात के सबरकांत में यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है ठीक है और इसकी पी डी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अगला क्वेश्चन है हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं तो ये कौन है बताइए तो फ्रेंड ये है आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनने वाली पूनम चौहान कौन से जिले से हैं तो बताइए इसका तो, friend, इसका आंसर आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड आ जाएगा पलवल आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने उनतीस दिसंबर को अटल किसान मजदूर कैंटीन की शुरुआत कौन सी मंडी से की तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा, जाएगा करनाल मंडी आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है अटल किसान मजदूर कैंटीन में भोजन की थाली कितने रुपए में मिलती है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा दस रुपए आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है 2020 के एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में भारत कौन से स्थान पर रहा तो ये कौन से स्थान पर रहा बताइए तो फ्रेंड ये रहा तीसरे स्थान पर आंसर क्या हो गया सी और जो एशिया पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता है इसकी शुरुआत हुई थी उन्नीस में और एशियाई महिला कुश्ती प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी उन्नीस सौ में, में अगला क्वेश्चन है हरियाणा में ए पी एस ए टी एम सेवा कहां पर शुरू की गई तो ये कहां पे की गई है बताइए तो फ्रेंड ये की गई है डाकघरों में आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा के कितने डाक घरों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाता धारकों के लिए ए पी एस ए टी एम सेवा शुरू कर दी है तो फ्रेंड बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो इसका आंसर आ जाएगा छब्बीस सौ तिरानवे आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने दो हजार बीस इक्कीस में कितना बजट पेश किया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ए एक लाख बयालीस हजार तीन सौ तिरतालीस प्वाइंट अठहत्तर करोड़ रुपये अगला क्वेश्चन है हरियाणा बजट दो हजार बीस इक्कीस किसके द्वारा पेश किया गया था तो ये किसके द्वारा पेश किया गया था बताइए तो ये किया गया था मनोहरलाल खट्टर के द्वारा आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा बजट 2021 में शिक्षा पर कितने प्रतिशत खर्च किया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 15% आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है 2019-20 के बजट की तुलना में 2021 -20 के बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 7.70 आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है पंचकुला का विकास किसकी तर्ज पर किया जाएगा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा एनसीआर तो आंसर क्या हो गया बी और एनसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है नेशनल कैपिटल रीजन ठीक है 61वां क्वेश्चन है सुषमा स्वराज के नाम पर कहां की गवर्नमेंट महिला कॉलेज का नाम रखा गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा बल्लफगढ़ आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस बॉक्सर का संबंध रोहतक के मायना गांव से है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा अमित पंगाल आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हाल ही में बिवानी के किस गांव से हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा तिगड़ाना गांव आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है भिवानी के तिगड़ाना गांव से हड़प्पा कालीन सभ्यता के कौन से अवशेष मिले तो क्या तो बताइए इसका इसका आंसर आंसर क्या आएगा फ्रेंड आ जाएगा उपरोक्त सभी आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किया पर फतेह हासिल करने वाले कपिल ठाकुर किस जिले से, है? तो से हैं तो किस जिले से हैं बताइए तो फ्रेंड ये हैं सोनीपत से और सोनीपत में कहां पे रहते ये गोहाना में अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने दूसरी अटल मजदूर कैंटीन की शुरुआत कौन से जिले में की तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पंचकुला आंसर क्या होगा डी तो आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है जो अटल किसान मजदूर कैंटीन है इसकी सबसे पहले शुरुआत किस जिले में की गई थी दूसरे नंबर पे की गई पंचकुला में आपको बताना पहले नंबर पे किस जिले में की गई थी आपके ऑप्शन ये रहे अगला क्वेश्चन है तेईसवे राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में नागरिक केंद्रित वितरण प्रदान करने में उत्कृष्टता की श्रेणी में गोल्ड अवार्ड के लिए किसे चुना गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा हरियाणा आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस हरियाणवी ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एलब्रुस पर तिरंगा फहराया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा रोहतास खिलेरी आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में किस हड़प्पा सभ्यता के सबसे पुराने स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरह पर विकसित किया जाएगा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा राखी गढ़ी आंसर क्या हो गया बी और ये कहां पे है हिसार में अगला क्वेश्चन है इतिहासकार डॉक्टर सूरज भान ने राखी साइट को लेकर पी कब की थी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा उन्नीस आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है राखी गढ़ी साइड पर पहली बार खुदाई कब हुई जिसमें पुराने अवशेष मिले थे तो इसका आंसर तो क्या आएगा बताइए तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा उन्नीस सौ अठानवे आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है नीमन में से किसे भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष बनाया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा दीपा मलिक आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है दीपा मलिक का संबंध किस जिले से है तो किस जिले से है बताइए तो फ्रेंड ये है सोनीपत से आंसर क्या हो गया सी और सोनीपत में कहा से हैं भैसवल गांव से अगला क्वेश्चन है पैरोल्पिक खेलों में पदक जीतने वाली देश की पहली महिला कौन थी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा दीपा मलिक आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है 2016 के पैरालंपिक खेलों में दीपा मलिक ने गोला फेंक में कौन सा पदक जीता तो ये कौन सा जीता था बताइए तो फ्रेंड ये जीता था सिल्वर यानी रजत आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन दीपा मलिक के संदर्भ में सत्य है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी आंसर क्या हो गया ई अगला क्वेश्चन है मास्टर नेशनल हॉकी गेम 2020 किसने जीता तो ये किसने जीता था बताइए तो फ्रेंड ये जीता था हरियाणा ने आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता एवं घुड़सवार पुलिस ड्यूटी मीट 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था तो ये कहाँ पे किया गया था बताइए तो फ्रेंड ये किया गया था भोंडसी में आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका नया नाम भुवनेश्वरी रखा गया है तो फ्रेंड इसका आंसर बताइए क्या आएगा और ये क्या है बॉन्ड सी ठीक है तो फ्रेंड इसका आंसर आंसर आ जाएगा बॉन्ड सी क्या क्या ए इसका नया नाम क्या है भुवनेश्वरी अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार की नई खेल नीति के अनुसार माउंट एवरेस्ट सहित विश्व की दस सबसे ऊंची पर्वत चोटियों की चढ़ाई करने वाले पर्वतरोहियों को कितनी राशि दी जाएगी तो फ्रेंड इसका आंसर क्या आएगा बताइए तो फ्रेंड ये दिए जाएंगे पांच लाख रुपए आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कोरोना को महामारी घोषित करने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना था तो ये कौन सा बना था बताइए तो फ्रेंड ये बना था पहला आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा रखने के लिए टाइटेनियम धातु पर उत्कीर्ण पवित्र गीता की एक विशिष्ट कृति प्रदान की है तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा कुरक्षेत्र आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है 25 से 27 मार्च 2020 तक किसान महोत्सव हरियाणा में कहां पर आयोजित किया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा रोहतक आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है महिला दिवस 8 मार्च 2020 पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित किसे किया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सुजाता आंसर क्या होगा डी अगला क्वेश्चन है क्रिकेट वर्ल्ड कप में फाइनल खेलने वाली सबसे युवा महिला कौन है तो बताइए ये कौन है तो फ्रेंड ये है शिफाली वर्मा आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है सिफाली वर्मा का जन्म 28 जनवरी 2004 को हरियाणा के किस जिले में हुआ तो ये किस जिले में हुआ बताइए तो ये हुआ फ्रेंड रोहतक में आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है तीन दिवसीय अस्तल बोर मठ मेला दो हजार पर आयोजित किया गया तो कहां पे किया गया बताइए तो फ्रेंड ये किया गया रोहतक में आंसर क्या हो गया सी रोहतक में कहा इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया तो ये किसे किया गया बताइए तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा अलका गर्ग आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा में राज्य स्तरीय अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस दो हजार कहां पर आयोजित किया गया तो ये कहां पे किया गया बताइए तो फ्रेंड ये किया गया गुरुग्राम में आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा कला परिषद का मुख्यालय चंडीगढ़ से कहां शिफ्ट किया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा कुरुक्षेत्र तो आंसर क्या हो गया बी तो क्वेश्चन नंबर इक्यानवे है मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर का नाम बदलकर क्या रखा गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा कलाकृति भवन आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है सैंतीसवीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी कहां आयोजित की गई तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा करनाल आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है तेरह से पंद्रह मार्च दो हजार बीस तक सैंतीसवीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी करनाल में कहा आयोजित की गई तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आंसर क्या हो गया बी देखो जो एन डी आर आई है यानी द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी स्थापना उन्नीस में हुई थी कहाँ पे बेंगलोर में लेकिन 1955 में क्या हुआ था इसका स्थानांतरण कर दिया कहाँ पे करनाल में और उन्नीस में इसको क्या बना दिया यूनिवर्सिटी तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख भी रखी हैं अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कोरोना वायरस के कारण जिलों को लॉकडाउन करना कब शुरू किया गया था तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा तेईस मार्च को आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में सबसे पहले कितने जिलों को लॉकडाउन किया गया था तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सात आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में सबसे पहले किन सात जिलों को लॉकडाउन किया गया था तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ए और बी दोनों आंसर क्या होगा डी यानी इन सात जिलों को लॉकडाउन किया गया था सबसे पहले अगला क्वेश्चन है हरियाणा के बाईस के बाईस जिलों को लॉकडाउन कब किया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 24 मार्च को आंसर क्या होगा सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में पहला कोरोना का मरीज किस जिले में मिला था तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा गुरुग्राम आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है कोरोना पीड़ितों का इलाज के लिए सरकार ने किस फंड की स्थापना की थी तो, क्या तो फंड। क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कौन सी धारा के तहत कार्रवाई होती है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा धारा एक आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा में बेस्ट विलेज के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आंसर आ जाएगा बाला देवी क्या ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा में किस गांव को बेस्ट विलेज का अवार्ड मिला तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा मुंदड़ी आंसर क्या हो गया सी और यहीं की सरपंच कौन है बाला देवी और मुंदड़ी कहां पड़ता है कैथल में और ये अवार्ड क्यों दिया गया था क्योंकि यहाँ का लिंग अनुपात कितना हो गया है सत्रह यानी एक हजार लड़कों पे सत्रह सो लड़कियां हैं अगला क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र में जैविक खेती प्रशिक्षण का उद्घाटन किसने किया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी यानी ये सभी आंसर हो गया डी अगला क्वेश्चन है लॉकडाउन में हरियाणा से पहली सार्मिक स्पेशल ट्रेन कहां से कहां तक गई तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा रोहतक से पटना आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है किसानों को धान के अलावा अन्य वैकल्पिक खेती करने के लिए कौन सा जागरूकता अभियान चलाया गया है कौन बनी है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा अवनी अग्रवाल आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई थी तो ये कहाँ से हुई थी बताइए तो फ्रेंड ये हुई थी बीबीपुर से जो कि पड़ता है जींद में आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है मिशन फतेह का संबंध किससे है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पौधे लगाने से आंसर क्या होगा ए अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पार्टी के द्वारा 14 जून 2020 को वर्चुअल रैली की गई तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा बीजेपी आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है सात से चौदह जून दो हजार बीस तक जनसंपर्क अभियान किस पार्टी ने शुरू किया था तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा बीजेपी आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है दो हजार बीस इक्कीस में जारी एजुकेशन वर्ल्ड गवर्नमेंट रैंकिंग में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी देश भर में कौन से स्थान पर रही तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सतासठ आंसर क्या हो गया बी और हरियाणा में कौन से स्थान पर रही पहली अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार कौन से विद्यार्थियों के फ्री पासपोर्ट बनाएगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड ईयर वाले बच्चों की आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में मेडिकल डिवाइस पार्क कहां बनेगा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा करनाल आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में मेडिकल डिवाइस पार्क करनाल में कितने एकड़ भूमि पे बनेगा जहां मेडिकल उपकरण बनाए जाएंगे तो बताइए इसका आंसर आ जाएगा 225 एकड़ आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में बलक ड्रग्स पार्क कहां बनेगा जहां थोक रेट में दवाइयां तैयार होंगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पानीपत आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है सोना में लिथियम बैटरी का कारखाना कौन सी कंपनी लगाएगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा जापानी कंपनी आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार किस नाम से बोतल बंद पीने का पानी लाने जा रही है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा हरियाणा फ्रेश आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में योग दिवस कब मनाया जाता है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका 21 जून आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है किसानों को कृषि उत्पादन में वृद्धि करने वृत्तीय प्रबंध व नवीनतम तकनीकों को अपनाने के संबंध में जागरूकता के लिए कौन सी योजना शुरू की गई तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा किसान मित्र क्लब आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कहां पर दवाइयां बनाने का हब बनेगा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पानीपत और करनाल तो आंसर क्या हो गया ए और बी दोनों आंसर क्या हो गया सी तो क्वेश्चन नंबर है हरियाणा ने कौन से रोग से पीड़ित नागरिकों को, को प्रतिमा पेंशन देने का निर्णय लिया है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ए और बी दोनों तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी अगला क्वेश्चन है चौथा अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव दो हजार उन्नीस कब शुरू हुआ तो ये कब शुरू हुआ था बताइए तो फ्रेंड ये शुरू हुआ था तेईस नवंबर को आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी तो ये किस वर्ष से हुई थी बताइए तो फ्रेंड ये हुई थी 2016 से यानी जो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव है ये अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर मनाया जाने लगा था 2016 से आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है सरस व शिल्प मेला कहां पर आयोजित किया जाता है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आंसर आ जाएगा में में क्या हो गया? सी और में कहां पे होता है भ्रम सरोवर पे जो कि है थानेसर में अगला क्वेश्चन है छह नए जजों की नियुक्ति होने के बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जजों की संख्या कितनी हो गई है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा छप्पन आंसर क्या हो गया बी यानी पहले कितने थे 50 अगला क्वेश्चन है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जजों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तो फ्रेंड बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 85 आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है गीता प्रेरणा महोत्सव का आयोजन 1 दिसंबर 2019 को कहां किया गया तो कहां पे किया गया था बताइए तो फ्रेंड ये किया गया था नई दिल्ली में आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा की चौदहवीं विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन बने हैं तो ये कौन बने हैं बताइए तो फ्रेंड ये बने हैं रणवीर गंगवा आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है 2030 में होने वाले पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो ये कौन सा देश करेगा बताइए तो फ्रेंड ये करेगा इंडिया यानी भारत आंसर क्या हो गया ए तो अगला क्वेश्चन है हरियाणा में पशु किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत किसने की तो फ्रेंड ये किसने की थी बताइए तो फ्रेंड ये की थी जेपी दलाल ने यानी जयप्रकाश दलाल ने तो आंसर क्या हो गया सी और ये क्या है हरियाणा की कृषि मंत्री अगला क्वेश्चन है पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लागू करने वाला पहला जिला कौन सा बना था तो ये कौन सा बना था बताइए तो फ्रेंड ये बना था भिवानी तो आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है तेरव साउथ एशियन गेम 2019 हजार उन्नीस कहां पर हुए थे तो ये पे हुए थे बताइए तो फ्रेंड ये हुए थे नेपाल में आंसर क्या होगा डी अगला क्वेश्चन है 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था तो बताइए ये किसे मिला था तो फ्रेंड ये मिला था बी और सी दोनों को यानी बजरंग पुनिया को और दीपा मलिक को आंसर क्या होगा डी अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में हरियाणा सरकार छह हजार प्रति वर्ष उन परिवारों को देगी जिनकी आय है कितनी है बताइए जिनकी आय एक लाख अस्सी हजार से कम है तो आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 में हरियाणा कौन से स्थान पर रहा था तो ये कौन से स्थान पर रहा था बताइए तो फ्रेंड ये रहा था दूसरे पे तो आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है अठाईसवा मैंगो फेस्टिवल यादवेंद्र गार्डन में कब आयोजित किया गया तो बताइए इसका इसका आंसर आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आ जाएगा छह और सात जुलाई 2020 को आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार द्वारा जारी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल का संबंध किससे है तो ये किससे है बताइए तो फ्रेंड ये है किसानों से आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है नौवे कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2019 में फार्मिंग लीडरशिप अवार्ड किस राज्य को मिला तो ये किस राज्य को मिला था बताइए तो फ्रेंड ये मिला था हरियाणा को आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है अंडों के उत्पादन में हरियाणा कौन से स्थान पे है तो बताइए इसका आंसर क्या है तो फ्रेंड ये है पांचवें स्थान पर आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है संवेदना पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा मनोहर लाल हो गया बी अगला क्वेश्चन है पांच राफेल लड़ाकू विमान हरियाणा के किस एयरबेस में लैंड करवाए गए तो बताइए इसका आंसर आ जाएगा अंबाला आंसर क्या हो तो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में बीजेपी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कौन बने हैं तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ओपी धनखड़ आंसर क्या हो गया सी यानी ओम प्रकाश धनखड़ अगला क्वेश्चन है पाल गडरिया समाज कौन से वर्ग में आता है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा एस सी आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है समृद्ध हरियाणा खुशहाल हरियाणा योजना संबंधित है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ये सभी तो आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है मंत्रियों व विभिन्न अधिकारियों से मिलने हेतु ऑनलाइन अपॉइंटमेंट से से मिलेगी 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 तो तो ये कहां से मिलेगी? तो ये बताइए ई सचिवालय से आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने किसान हित के लिए कितने ट्यूब जारी किए हैं तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा तेरह हजार आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को रोजगार हेतु सूक्ष्म ऋण योजना के अंतर्गत कितने रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा तो बताइए इसका इसका आंसर 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 क्या क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आ जाएगा हजार क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में पहला पेपरलेस ऑफिस बनाने की दिशा में पहला आयुक्त कार्यालय किस जिले में बना तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा फरीदाबाद आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार की हरियाणा राज्य प्रशिक्षण नीति 2020 के अंतर्गत लगभग कितने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा तो क्या तो बताइए इसका इसका आंसर 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 क्या क्या आएगा फ्रेंड आ जाएगा लाख ए अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालकों का कितने रुपए तक का निःशुल्क बीमा किया जाएगा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पांच लाख तो आंसर क्या हो गया सी तो क्वेश्चन नंबर एक सौ इक्यावन है कोविड नाइन्टीन के संकट काल में नागरिकों को सरकारी सेवाएं समय पर देने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी ऐप लॉन्च की थी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका वन स्टॉप आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में इंडियन ऑयल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ खुलेगा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा फरीदाबाद आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है शहरी इलाकों में आसपास के क्षेत्रों से काम करने के लिए आने वाले लोगों के लिए सरकार कितने घर बनाएगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पचास हजार आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने पिंजोर और कालका को कौन से नगर निगम से अलग करके नगर परिस बना दिया है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पंचकुला आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है किसानों को बैंक से लेन देन करने पर लगने वाली स्टैंप शुल्क को दो हजार से घटाकर सौ रुपए आंसर क्या ए तो अगला क्वेश्चन है अब हरियाणा में स्थापित निजी कंपनियों में हरियाणा के लोगों को कितने प्रतिशत नौकरियां मिलेंगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पिछहत्तर प्रतिशत आंसर क्या होगा सी अगला क्वेश्चन है दिल्ली में कौन सी कक्षा के बच्चे अब ए विलेज नेमड बीबीपुर नाम के चैप्टर पढ़ेंगे तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा दसवीं तो आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में अब कौन से हाईवे पर विमान फाइटर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग हो सकेगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ए और बी दोनों तो आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है वर्तमान में हरियाणा पुलिस फोर्स में महिलाओं की संख्या कितने प्रतिशत तो है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा दस प्रतिशत तो आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है छात्राओं की सुरक्षा के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी परिवहन योजना शुरू की है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर तो आ जाएगा छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना आंसर क्या होगा बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा प्रदेश की पंचायत में महिलाओं की भागीदारी तैतीस प्रतिशत से बढ़ाकर कितनी कर दी है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पचास प्रतिशत आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है मनोहर लाल खट्टर ने वृक्षाबंधन की शुरुआत कब की तो ये कब की बताइए तो फ्रेंड ये की तीन अगस्त को तो आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है मनोहर लाल खट्टर ने रक्षा बंधन के दिन कितने महिला कॉलेज खोलने की घोषणा की है तो बताइए क्या क्या आएगा तो फ्रेंड इस आ जाएगा आंसर ए अगला क्वेश्चन है दस नए सरकारी कॉलेज खोले जाने के बाद हरियाणा में कुल कॉलेजों की संख्या कितनी हो गई तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड ये हो जाएगी तीन सौ पचास आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है महिला एवं किशोरी सम्मान योजना में कितने वर्ष तक महिलाओं को हरियाणा सरकार मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन देगी तो बताइए इसका तो दस से लेकर पैंतालीस वर्ष आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार के द्वारा कितने और आदर्श संस्कृत स्कूल विकसित किए जाएंगे तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा एक सौ चार आंसर क्या होगा बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा विधानसभा 2020 का मानसून सत्र कब शुरू हुआ था तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 26 अगस्त आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है 2018-19 के अनुसार हरियाणा में प्रति व्यक्ति को कितना दूध उपलब्ध होता है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 1087 ग्राम आंसर क्या होगा बी अगला क्वेश्चन है देश की पहली गधी के दूध की डेयरी कहां खुलेगी तो ये कहां पे खुलेगी बताइए तो फ्रेंड इसका आंसर आंसर आ जाएगा हिसार क्या सी अगला क्वेश्चन है महिला एवं किशोरी सम्मान योजना का शुभारंभ मनोहर लाल खट्टर ने कहा से किया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा चंडीगढ़ आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा में ओल्ड गुरुग्राम में, में मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए कितने किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को मंजूरी प्रदान की गई है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा अट्ठाईस पॉइंट अस्सी किलोमीटर आंसर क्या होगा बी अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना का उद्घाटन किसने किया तो ये किसने किया बताइए तो अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 15 अगस्त 2020 को कहां से तिरंगा झंडा फहराया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पंचकुला आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने 15 अगस्त 2020 को कहां से तिरंगा झंडा फहराया तो बताइए इसका इसका आंसर 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 क्या क्या आएगा तो फ्रेंड आ जाएगा गुरुग्राम सी अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 2020 को हरियाणा में राज्य स्तर पर ध्वजारोहण कहा किया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा चंडीगढ़ आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा मुहिम की शुरुआत कहां से की तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पंचकुला आंसर क्या होगा डी अगला क्वेश्चन है 2020 के मानसून सत्र में कौन सी नगर पालिका को नगर परिषद का दर्जा दिया गया तो बताइए इसका इसका आंसर 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 क्या क्या आएगा तो फ्रेंड आ जाएगा सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा के सहकारिता विभाग द्वारा राज्य के गांव तथा शहरों में कितने रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा दो आंसर क्या होगा बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार के द्वारा कितने युवाओं को HCC की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन तैयारी फ्री में करवाई गई तो बताइए इसका इसका आंसर 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 क्या क्या आएगा तो फ्रेंड आ जाएगा ए अगला क्वेश्चन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कौन से स्थान पर रहा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पहला आंसर क्या होगा ए एक सौ क्या है आने वाले तीन सालों में वन क्षेत्र को सात प्रतिशत से बढ़ाकर कितना किया जाएगा तो बताइए इसका इसका आंसर 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 क्या क्या आएगा तो फ्रेंड आ जाएगा बीस क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है ओलंपिक व पैरालंपिक खेलों में क्वालिफाई होने वाले खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार कितने रुपए की राशि देगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पांच लाख रुपए आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है खुले में सोच मुक्त होने पर हरियाणा को कौन सा पुरस्कार मिला तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो इसका आंसर क्या आएगा ए अगला क्वेश्चन है वीटा बूथ की संख्या सात से बढ़ाकर कितनी की जाएगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा चार हजार आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में एक सितंबर 2020 से बिजली घरों के अलावा भी कहां पर बिजली बिल जमा करवा सकेंगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा घरों में आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है किराए पर कृषि यंत्र लेने के लिए हरियाणा के किसानों को कौन सी ऐप डाउनलोड करनी होगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा सी एच सी फार्म मशीनरी आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस शहर में फिल्म सिटी और एग्रो मॉल भी शुरू होगा तो एक किस शहर में होगा बताइए तो फ्रेंड ये होगा पिंजोर में आंसर क्या हो गया सी और पिंजोर कहा आता है पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में अगला क्वेश्चन है हरियाणा में सीएम फ्लाइंग की तरज पर कौन सी फ्लाइंग बनेगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा होम मिनिस्टर फ्लाइंग आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हाल ही में सिरसा के रमेश गोयल को कौन सा पुरस्कार मिला तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा वाटर हीरो पुरस्कार आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2018-19 में हरियाणा कौन से स्थान पर रहा था तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ई e. 16वें स्थान पे आंसर क्या हो गया ई e. अगला क्वेश्चन है आपका मित्र शैक्षणिक व्हाट्सएप चैटबॉट का शुभारंभ हरियाणा में किसने किया तो ये किसने किया बताइए तो फ्रेंड ये किया मनोहर लाल खट्टर ने आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हाल ही में हरियाणा के किस जिले में नया राजकीय होम्योपैथिक औषधालय खोलने की मंजूरी मिली तो बताइए इसका आंसर क्या, तो क्या हो गया बी और कुरक्षेत्र में भी एक गांव है बारवा वहां पर खुलेगा ये अगला क्वेश्चन है हरियाणा विधानसभा 2020 का दूसरा मानसून सत्र कब शुरू हुआ था तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा भूमि पूजन करके कौन से हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा हिसार आंसर क्या होगा बी अगला क्वेश्चन है एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा कौन से स्थान पर रहा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पहले स्थान पे तो आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार पराली जलाने की एक भी घटना न होने वाले गांव की पंचायत को कितने रुपए की राशि देगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा दस लाख रुपए आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में एक नवंबर दो को कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पचपनवा आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा के ईडब्ल्यूएस वाले उम्मीदवारों को अब हरियाणा पुलिस में कितने वर्ष की छूट दी जाएगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पांच वर्ष आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा की चीनी मिलों में गन्ने के अवशेषों से जैव ईंधन तैयार किया जाएगा तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कौन सी मिल में हुई तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा कैथल आंसर क्या हो गया बी और इन क्वेश्चनों की डिटेल भी मैंने साथ के साथ दे रखी है और इसकी पी डी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जिसमें करीब पिछले तीन साल का करंट अफेयर करवाया गया है कौन सा हरियाणा करंट अफेयर आप चाहे तो इस पी डी को डाउनलोड कर सकते हैं और सभी क्वेश्चन डिटेल में हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में निजी कंपनियां व उद्योगों में पिछहत्तर प्रतिशत हरियाणा के युवाओं को रोजगार देना अनिवार्य है सिवाय जिनकी आय नीवन से अधिक है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पचास हजार रुपए आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा सप्लाई सेंटर कहां पर तैयार होगा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा मानेसर आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में किसानों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए कौन सा बाजार खोला जाएगा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा बाजार आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है 25 नवंबर 2020 को पहलवान बजरंग पुनिया की शादी किनसे हुई तो बताइए इसका इसका आंसर आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड आ जाएगा संगीता फोगाट आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है सरपंच को हटाने के लिए सरपंच के खिलाफ कितने प्रतिशत मतदान डालना होगा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सासठ प्रतिशत आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है सरपंचों ब्लॉक समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटाने का अधिकार क्या कहलाता है तो क्या है तो बताइए इसका आंसर आंसर क्या क्या आएगा फ्रेंड इसे कहते हैं राइट टू रिकॉल हो गया सी अगला क्वेश्चन है पंचायती चुनाव में बीसीए वर्ग के लोगों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा आठ प्रतिशत आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है सरपंच के खिलाफ राइट टू रिकॉल एक वर्ष में कितनी बार लाया जा सकता है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा एक बार साल में एक बार आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार की सपना योजना जिसमें 24 घंटे गांव में बिजली आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया इसकी शुरुआत 2015 में कहां से हुई थी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा दयालपुर से जो की है कुरुक्षेत्र में आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा दिवस समारोह व स्पोर्ट्स मीट कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कौन सी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया तो बता क्या तो बताइए इसका इसका आंसर 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 क्या क्या आएगा आ जाएगा खेलो हरियाणा हो गया बी अगला क्वेश्चन है 25 नवंबर 2020 को पहलवान बजरंग पुनिया की शादी में कितने फेरे लिए गए तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा आठ आंसर क्या हो गया सी क्वेश्चन नंबर 211 है अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 कब से कब तक मनाया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 17 से लेकर 25 दिसंबर तक आंसर क्या हो गया ए और इसकी सारी डिटेल मैंने यहाँ पे दे दी है आप इसे भी पढ़ सकती हैं ठीक है अब है? देखते हैं अगला क्वेश्चन निम्न में से हरियाणा 2020 के कौन से अवार्ड में पहले स्थान पे रहा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा डिजिटल इंडिया आंसर क्या होगा बी अगला क्वेश्चन है जर्मनी में आयोजित मुक्केबाजी विश्व कप में सत्तावन केजी जी भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने वाली मनीषा मोन कौन से जिले से हैं तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा कैथल आंसर क्या होगा डी अगला क्वेश्चन है हरियाणा का ग्यारहवा नगर निगम कौन सा बना तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा मानेसर आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घरों में नल लग गया है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा अंबाला और पंचकुला तो आंसर क्या होगा ए और बी दोनों no. तो आंसर होगा डी अगला क्वेश्चन है जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घर में पाइप से पानी के कनेक्शन के माध्यम से हर घर में पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है तो ये कब का रखा है बताइए तो फ्रेंड ये रखा है 2024 आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है खट्टर ने शिक्षा परियोजना का उद्घाटन किस जिले में किया था तो बताइए इसका, क्या तो फ्रेंड इसका जाएगा करनाल क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है नीमन में से हरियाणा पुलिस के द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी आंसर क्या होगा डी अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में पहला थैला बैंक स्थापित किया गया तो बताइए हरियाणा का, तो हर का एकमात्र जिला जिसमें दो नगर निगम हैं तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा गुरुग्राम आंसर क्या हो गया सी जिसमें एक तो गुरुग्राम हो गया और एक हो गया मानेसर दो नगर निगम है अगला क्वेश्चन है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना में दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता होने पर कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी तो बताइए तो एक लाख रुपए क्वेश्चन है समृद्ध हरियाणा खुशहाल हरियाणा योजना संबंधित है तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए तो फ्रेंड ये आ जाएगा आंसर डी ये सभी आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को रोजगार हेतु सूक्ष्म ऋण योजना के अंतर्गत कितने रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा तो कितने रुपए का किया जाएगा बताइए तो फ्रेंड ये किया जाएगा साठ हजार आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हाल ही में मनोहर लाल खट्टर के द्वारा कौन सी कविता संग्रह का लोकार्पण किया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ए और बी दोनों तो आंसर क्या होगा इसका सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मनोलाल खट्टर ने किनकी दो नई कविता संग्रह मेघ मेघना और विमोचन किया तो बताइए इसका आंसर आ जाएगा दीरा खंडेलवाल आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है प्रदेश के युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहन करने के लिए मनोहर खट्टर ने कौन से पुरस्कार की घोषणा की है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा युवा साहित्य पुरस्कार आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है मिसेज इंडिया 2020 ब्यूटी पेजेंट किसने जीती तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो इसका आंसर आ जाएगा प्रियंका जुनेजा आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है मिसेज इंडिया 2020 ब्यूटी पेजेंट प्रियंका जुनेजा कौन से जिले से हैं तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पानीपत आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है गुरुग्राम को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में नंबर वन शहर बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो इसका आंसर आ जाएगा कचरा शून्य गुरुग्राम अतुल्य आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा के कौन से उपभोक्ता मिस्ड कॉल से अपने बिजली बिल को डाउनलोड कर पाएंगे आंसर क्या आएगा इसका इसका आंसर आ जाएगा ए और बी दोनों आंसर क्या होगा डी अगर आपकी बिजली दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम से आती है तो आप इस नंबर पर मिस कॉल कर सकते हैं अगर आपकी उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम से आती है तो आप इस नंबर पर मिस कॉल कर सकते हैं अगला क्वेश्चन है 25 जनवरी 2021 से डिजिटल वोटर आईडी को मतदाता कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ए आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है नीमन में से कौन से शहर के रेलवे स्टेशन की तर्ज पर पंचकुला रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा चंडीगढ़ आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तर्ज पर हरियाणा में कौन सी फसल की शुरुआत होगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कोरोना वैक्सीन का टीका सबसे पहले सूरजबाला को लगा वो किस जिले की हैं तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड वो है पंचकुला की आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा में अधिकतम कितने एकड़ तक की भूमि में फिल्म सिटी बसाया जाएगा तो बताइए क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सौ एकड़ आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 26 जनवरी 2021 को कहां से ध्वजारोहण किया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पंचकुला आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत कहां से हुई तो बताइए क्या आएगा तो फ्रेंड जाएगा हिसार आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत हिसार में कब से हुई तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा चौदह जनवरी कब चौदह जनवरी दो हजार इक्कीस Beast अगला क्वेश्चन है भारत की पहली एयर टैक्सी का शुभारंभ हिसार से किसने किया तो फ्रेंड ये किसने किया था बताइए तो फ्रेंड ये किया मनोहर लाल खट्टर ने आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत हिसार से किसने की तो किसने की कि है ये किए वरुण सुहाग ने आंसर क्या हो गया सी देखो उद्घाटन किया मनोहर लाल खट्टर ने लेकिन जो एयर टैक्सी है ना इसकी शुरुआत की है वरुण सुहाग ने हरियाणा से चंडीगढ़ तक चलने वाली एयर टैक्सी का किराया कितने रुपए है तो इसका आंसर क्या आएगा तो इसका आंसर आएगा सत्रह सो पचपन रुपए आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हिसार से चंडीगढ़ तक चलने वाली एयर टैक्सी में कुल कितनी सीटें है? तो सीटे हैं तो ये कितनी सीटें हैं बताइए तो फ्रेंड ये है चार आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हिसार से चंडीगढ़ पहली एयर टैक्सी का शुभारंभ किस स्कीम के तहत किया गया तो सोनीपत के गनौर में फल व सब्जी की मंडी से स्थापित की जाएगी सात हजार करोड़ आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन तो तो है चार जनवरी दो हजार इक्कीस को हरियाणा में पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन किस जिले में शुरू किया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो इसका आंसर आएगा पंचकुला आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है रोहतक की बेटी प्रियंका ने मिलिट्री नर्सिंग परीक्षा में कौन सा स्थान हासिल किया तो बताइए आंसर क्या आएगा तो आ जाएगा पहला क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र के किस क्षेत्र को विश्व स्तरीय पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाएगा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो इसका आंसर आएगा पिपली आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल कब लॉन्च किया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा बारह जनवरी आंसर क्या हो गया ए बारह जनवरी दो हजार इक्कीस ठीक है अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने राज्य के अर्जुन अवार्ड जीतने वालों को मानदेय कितना कर दिया है तो ये कितना कर दिया है बताइए तो फ्रेंड ये कर दिया है बीस हजार रुपये आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशु के रखरखाव के लिए कितने रुपए रन के रूप में राशि दी जाती है तो बताइए इसका इसका आंसर आंसर क्या एगा? तो फ्रेंड आ जाएगा तीन लाख रुपए आंसर क्या हो गया ए क्वेश्चन नंबर दो सौ इक्यावन है हिसार से देहरादून के लिए चलने वाली एयर टैक्सी का किराया कितने रुपए है तो कितने रुपए है ये ये है उनतालीस रुपए आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हिसार से धर्मशाला के लिए चलने वाली एयर टैक्सी का किराया कितने रुपए है तो बताइए इसका इसका आंसर 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 क्या तो क्या आएगा तो फ्रेंड आ जाएगा हो गया बी अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में अस्सी करोड़ की लागत से कितनी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा बाईस आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2021 से हरियाणा के सभी महाविद्यालय व विश्वविद्यालय किससे मुक्त हो जाएंगे तो बता क्या तो बताइए इसका इसका आंसर 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 क्या क्या आएगा आएगा फ्रेंड तंबाकू मुक्त हो गया बी क्या बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें 750 से बढ़ाकर कितनी कर दी हैं तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 1750 आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है अठारह की क्रांति की याद में वीर जवानों की बहादुरी व शहादत को नमन करने के लिए कहां पर 300 करोड़ रुपए की लागत से 22 एकड़ एक भूमि पर भव्य स्मारक का निर्माण किया जाएगा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा अंबाला आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों को खुराक प्रशिक्षण क्षमता निर्माण के लिए कितने रुपए की राशि देगी तो बताइए हरियाणा सरकार कितने रुपए देगी तो फ्रेंड ये देगी पांच लाख रुपए आंसर क्या हो गया अगला 2, सी अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 कब से शुरू हुआ तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा चौदह फरवरी आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव दो हजार इक्कीस कहां पर आयोजित किया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा आदि बद्री आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है आदि बद्री हरियाणा के किस जिले में स्थित है तो ये किस जिले में स्थित है बताइए तो फ्रेंड ये है यमुनानगर में आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है सरल पोर्टल पर सेवाएं देने में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा रिवाड़ी आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार द्वारा सरस्वती बांध सरस्वती वेराज और सरस्वती जलाशय कहा बनाए जाएंगे तो बताइए आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड ये सभी बनाए जाएंगे आदि बदरी पे आंसर क्या हो गया इसका डी अगला क्वेश्चन है बर्ड फ्लू की जांच के लिए हरियाणा में पहली लैब किस जिले में स्थापित की गई तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा हिसार आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार शार्मिकों को संक्रामक बीमारी या कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण दिव्यांग होने पर कितने रुपए पेंशन देती है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा तीन हजार आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है मिसेज इंडिया ब्यूटी पेजेंट प्रतियोगिता जीतने वाली प्रियंका जुनेजा हरियाणा के कौन से जिले से हैं तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पानीपत आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार 2021-22 का बजट विधानसभा में कब पेश किया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पांच मार्च आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा विधानसभा में दो हजार का बजट किसने पेश किया तो बताइए हरियाणा विधानसभा में किस विधायक ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा अभय चौटाला आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा विधानसभा से इस्तीफा देने वाले अभय चौटाला कौन सी पार्टी से हैं तो ये कौन सी पार्टी से हैं? तो फ्रेंड ये है इनेलो से, क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है अभय चौटाला कौन सी विधानसभा सीट से जीत कर आए थे तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा एलनाबाद आंसर क्या होगा बी और यहां से दोबारा आप जीत गए हैं क्वेश्चन नंबर दो है देश का पहला गीता लघु संग्रहालय कहा खोला गया है तो तो ये ये कहां पे खोला खोला गया बताइए तो फ्रेंड धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में आंसर क्या सी अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता 2021 हजार कहां पर आयोजित की गई तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा मिनी क्यूबा और मिनी क्यूबा किसे कहते हैं भिवानी को तो आंसर क्या होगा इसका बी अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता 2021 में कौन सा राज्य प्रथम रहा तो बताइए इसका इसका आंसर 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 क्या क्या आएगा तो फ्रेंड आ जाएगा हरियाणा ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब पेश किया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा दस मार्च दो आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव तो तो के पक्ष में कितने वोट पड़े तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा बत्तीस आंसर क्या होगा? बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में कितने वोट पड़ी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पचपन आंसर क्या हो गया ए और इसकी डिटेल मैंने यहाँ पे दे दी है अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है स्विस संगठन आई क्यू एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में टॉप 50 प्रदूषित शहरों में हरियाणा के कितने शहर हैं तो इस क्या तो बताइए इसका इसका आंसर 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 क्या क्या आएगा आएगा फ्रेंड होगा डी और उन सात शहरों को आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुपोषण और एनीमिया मुक्त हरियाणा के जन आंदोलन की शुरुआत कब की तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा आठ मार्च दो हज़ार इक्कीस को आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में बुढ़ापा और विधवा पेंशन बाईस सौ पचास से बढ़ाकर कितनी कर दी है तो इस समय कितनी मिलती है ये मिलती है पच्चीस सौ आंसर क्या हो गया बी और ये बात कर रहा हूं मैं अगस्त दो हजार बाईस की यानी इस समय मिलती है ये पच्चीस सौ रुपये अगला क्वेश्चन है हरियाणा में बुढ़ापा और विधवा पेंशन पच्चीस सौ कब लागू हुई तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा एक अप्रैल दो हजार इक्कीस आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हर खेत स्वस्थ खेत अभियान कब से चलाया गया तो बताइए इसका इसका आंसर 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 क्या तो cancer, क्या आएगा तो फ्रेंड आ जाएगा अप्रैल हो गया ए अगला क्वेश्चन है शहरी क्षेत्रों में कृषि उपयोग वाली भूमि पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बन गया है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड तो इसका आंसर आ जाएगा पहला आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है किव टूर्नामेंट में विनेश वोगाट ने कौन सा पदक जीता तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका गोल्ड आंसर क्या हो गया ए और ये कौन सा है 2021 वाला अगला क्वेश्चन है कितने मीटर दूर भाला फेंक कर नीरज चोपड़ा ने सवे का ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा अट्ठासी मीटर आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार द्वारा कितने प्रतिशत राशन डिपो महिलाओं को अलॉट कराई जाएंगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा तैतीस प्रतिशत आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है एच के नए चेयरमैन कौन बने हैं तो कौन है ये बताइए तो फ्रेंड ये है भोपाल सिंह खदरी आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है एच के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी का संबंध किस जिले से है तो किस जिले से है बताइए तो फ्रेंड ये है यमुनानगर से आंसर क्या हो गया बी और इससे रिलेटेड सारी डिटेल मैंने यहां पे दे दी है ठीक है फ्रेंड अब देखते हैं अगला क्वेश्चन एच की फुल फॉर्म क्या है तो बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या है तो फ्रेंड ये है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है डी एच वीवीएन ने घरों में तीन किलो वाट तक सोलर सिस्टम लगाने पर कितने प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी तो इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा चालीस प्रतिशत आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है डी एच घरों में चार किलो वाट से दस किलो वाट तक सोलर सिस्टम लगाने पर कितने प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा बीस प्रतिशत आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार के शुरू हरिहर योजना किससे संबंधित है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका बच्चों से आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है कोरोना को हराने के लिए हरियाणा में टीका उत्सव कब से कब तक मनाया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड आंसर आ जाएगा ग्यारह से चौदह अप्रैल दो आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित शीतला माता मंदिर के जीर्णो उद्धार की आधारशिला किसने रखी तो ये किसने रखी बताइए तो फ्रेंड ये रखी मनोलाल खट्टर ने आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र का निर्माण किस जिले में किया जाएगा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा अंबाला में आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र का निर्माण अंबाला जिले में कितने एकड़ एक भूमि पर किया जाएगा तो कितने एकड़ पर किया जाएगा बताइए तो फ्रेंड ये किया जाएगा पांच एकड़ पर आंसर क्या हो गया ए और इस पर लागत कितनी आएगी चालीस करोड़ अगला क्वेश्चन है यूक्रेन रेसलिंग प्रतियोगिता 2021 में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो इसका आंसर आएगा गोल्ड आंसर क्या होगा ए अगला क्वेश्चन है त्रेपन के जी भार वर्ग में विश्व की नंबर वन कुश्ती महिला खिलाड़ी कौन है तो बताइए ये कौन है तो फ्रेंड ये है विनेश फोगाट आंसर क्या हो गया बी विश्व के नंबर वन कुश्ती पुरुष खिलाड़ी कौन है तो बताइए ये कौन है तो फ्रेंड ये है बजरंग पुनिया आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते तो बताइए राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 24 से सताईस मार्च 2021 तक कहां पर आयोजित की गई तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा बेंगलुरु

हरियाणा सरकार द्वारा कितने रुपए की बीमा राशि देने की घोषणा की थी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पचास लाख आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है कोरोना मरीज की देखरेख करते हुए पुलिसकर्मी की जान जाने पर हरियाणा सरकार द्वारा कितने रुपए की बीमा राशि देने की घोषणा की थी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा तीस लाख आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के पालन पोषण के लिए किस योजना के तहत आर्थिक सहायता करेगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर तो आ जाएगा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संजीवनी परियोजना का शुभारंभ कहां से किया तो बताइए इसका आंसर तो क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर तो आएगा करनाल आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कितने करोड़ रुपए की लागत से पुराने रजवाहों का जीर्णोद्धार और नए रजवाहे बनाए जाएंगे तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सैंतीसों करोड़ आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है मेरी फसल मेरा ब्यौरा में कौन सी योजना जोड़ी जाएगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा मेरा पानी मेरी विरासत आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है इस बार हरियाणा बजट 2021-22 किसने पेश किया तो ये किसने पेश किया बताइए तो फ्रेंड ये किया मनोहर लाल खट्टर ने आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है 2021-22 में हरियाणा का कुल बजट कितना था तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड ये था एक लाख पचपन हजार सौ पैंतालीस करोड़ रुपए आंसर क्या हो गया सी तो इससे रिलेटेड सारी जानकारी मैंने यहाँ पे दे दी है आप इसे देख सकते हैं आप देखते हैं अगला क्वेश्चन 20 साल से अधिक समय से किराया लीज लाइसेंस फीस पर संपत्ति पर काबिज लोगों को मालिकाना हक देने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है तो, इसका क्या तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना कब शुरू की गई तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा एक जुलाई दो हजार इक्कीस आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कौन है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा अनिल विज आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा का पहला जिला कौन सा है जहां पानी का बिल पेपरलेस यानी एसएमएस के माध्यम से आएगा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पंचकुला आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है जन सहायक आपका सहायक ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया तो ये किसके द्वारा किया गया बताइए तो फ्रेंड ये किया मनोहर लाल खट्टर के द्वारा आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कहां पर हरियाणा सरकार फार्मा क्लस्टर बनाएगी तो ये कहाँ पे बनाएगी बताइए तो फ्रेंड ये बनाएगी बरवाला जो कि पड़ता पंचकुला में आंसर क्या होगा इसका सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में महाभारत व गीता से संदर्भित विश्व स्तरीय वर्चुअल म्यूजियम बनाया जाएगा तो बताइए इसका क्या तो आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा कुरुक्षेत्र आंसर क्या होगा डी अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार कहां से कहां तक साइकिल ट्रैक बनाएगी तो बताइए इसका आंसर क्या, <Nsir> क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा कालका से कलेसर आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है ओलंपिक में खेलने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार प्रतिभागिता के तौर पर कितने रुपए की राशि देगी क्या हो गया? बी। अगला है, का विकास किस प्राधिकरण के तहत होगा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पी आंसर -E. क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है विश्व क्रेडेट कुश्ती 19 से लेकर 25 जुलाई 2021 हजार कहाँ पर आयोजित की गई तो बताइए क्या क्या आएगा? तो फ्रेंड इस कंसर आ जाएगा हंगरी। आंसर गया सी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के 11 लाख परिवारों को दो लीटर सरसों के तेल की जगह कितने रुपए खाते में आएंगे बताइएगा दो सौ आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा पुलिस को पासपोर्ट वेरिफिकेशन में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रशंसा पत्र किसके द्वारा दिया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा केंद्र सरकार के द्वारा आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने स्टेट लेवल स्कूली खिलाड़ियों की डाइट राशि 125 से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है तो बताइए इसका आंसर तो इसका इसका आ जाएगा दो सौ रुपए आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने नेशनल लेवल के खिलाड़ियों की डाइट दो सौ रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा दो सौ पचास आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है अर्जुन अवार्ड द्रोणाचार्य ध्यानचंद अवार्ड प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का मानदेव पांच हजार रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है तो बीस हजार रुपए आंसर क्या, तो क्या होगा डी अगला क्वेश्चन है तेज विकास दर वाले राज्यों में हरियाणा कौन से स्थान पर है तो बताइए आंसर आंसर क्या आएगा आएगा तो फ्रेंड पहला आंसर क्या होगा ए अगला क्वेश्चन है 2021 का योग दिवस 21 जून को हरियाणा में कितने स्थानों पर मनाया गया तो बताइए इसका इसका आंसर क्या एगा? तो फ्रेंड ग्यारह सौ स्थानों पर आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है सरस्वती नदी के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार कितने रुपए देगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पांच करोड़ आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है दाल व तिलन बोने वाले किसानों को हरियाणा सरकार कितने रुपए प्रति एकड़ देगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा चार हजार आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है बिजली परियोजनाओं के लिए हरियाणा को केंद्र सरकार के द्वारा कितने रुपए का पैकेज दिया जाएगा तो कितने रुपए का पैकेज दिया जाएगा बताइए तो फ्रेंड ये दिया जाएगा दो करोड़ रुपए आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है आदि बदरी बांध सोमनाथ बराज कौन सी नदी पर बनाई जाएंगे तो बताइए क्या क्या आएगा आएगा तो फ्रेंड इसका आएगा सरस्वती नदी आंसर बी अगला क्वेश्चन है जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा को केंद्र सरकार कितने रुपए देगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा एक सौ उन्नीस पॉइंट पिचानवे करोड़ रुपए आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हाल ही में हरियाणा में पैराग्लाइडिंग व एडवेंचर खेल कहां पर शुरू किए गए तो ये कहां पर शुरू किए गए बताइए तो फ्रेंड ये किए गए हैं पंचकुला में आंसर क्या सी और पंचकुला में कहां पे मोरनी हिल्स पे अगला क्वेश्चन है बच्चों में योग के प्रति आकर्षण को बढ़ाने के लिए कौन सी कक्षा के पाठ्यक्रम में योग शिक्षा को शामिल किया जाएगा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पहली से दसवीं आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कहां पर गगर नदी के किनारे हरे भरे वातावरण को बढ़ावा देने के लिए ऑक्सीवन वन के तहत कई वन स्थापित किए जाएंगे तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पंचकुला आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है पंचकुला में कितने एकड़ भूमि पर ऑक्सी बनाने की घोषणा की गई है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा अस्सी एकड़ आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है पिछहत्तर वर्ष से अधिक उम्र वाले वृक्ष के के लिए हरियाणा सरकार कितने रुपए वार्षिक पेंशन देगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है पिछहत्तर वर्ष से अधिक उम्र वाले वृक्ष के रख रखाव के लिए हरियाणा सरकार पच्चीस सौ रुपए की वार्षिक पेंशन देगी तो इस योजना का नाम क्या है तो बताइए इस योजना का नाम क्या है तो फ्रेंड इसका नाम है प्राण वायु देवता पेंशन योजना आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री किसान व खेती हर जीवन सुरक्षा योजना का कौन सा कथन सत्य है तो बताइए इसका इसका आंसर आंसर क्या आएगा आएगा तो फ्रेंड उपरोक्त सभी तो आंसर क्या हो गया ई अगला क्वेश्चन है हरियाणा में रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम कहां से कहां तक बनेगा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा दिल्ली से करनाल आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 कब लॉन्च किया गया तो ये कब लॉन्च किया गया बताइए तो फ्रेंड ये किया गया था 12 जुलाई 2021 को आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 किस योजना के तहत लॉन्च किया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा खुशहाल हरियाणा सुरक्षित हरियाणा योजना आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर एक सौ किसने लॉन्च किया तो किसने किया ये मनोहर लाल खट्टर ने आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर में डायल 112 कंट्रोल रूम कहां स्थित है तो ये कहां पे है तो फ्रेंड ये है पंचकुला में आंसर क्या हो गया ए और इसकी डिटेल यहां पर मैंने दे दी है देख सकते हैं आप अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हरियाणा सरकार ने 2021 हज़ार संपत्ति कर में कितने प्रतिशत की छूट दी है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पच्चीस प्रतिशत आंसर क्या हो गया सी ये दोनों पच्चीस लिखे गए गलती से ठीक है इसको लिख देते हैं तीस ठीक है तो आंसर क्या हो गया पच्चीस प्रतिशत अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय डायना पुरस्कार जीतने वाली बाईस वर्षीय संजोली हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा यमुना नगर आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है 18 से 55 साल की विधवाओं के लिए हरियाणा सरकार तीन लाख रुपए आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार चोटी फतेह करने वाले रुपए देगी तो ये कितने रुपए देगी बताइए तो फ्रेंड ये देगी पांच लाख रुपए आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है मेडिकल व डेंटल शिक्षा में ओबीसी छात्रों को कितने प्रतिशत आरक्षण की स्वीकृति मिल गई है तो बताइए इसका इसका आंसर 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 क्या क्या तो फ्रेंड आएगा बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कितने ई चार्जिंग स्टेशन खोलने की योजना बनाई है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पांच आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है भारत का पहला ग्रेन एटीएम टी एम खोला गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा गुरुग्राम आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है भारत की पहली ग्रेन ए मशीन का नाम क्या है तो बताइए इसका नाम क्या है तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा अनपूर्ति आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है विवाह पंजीकरण योजना के तहत विवाह के तीस दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने पर कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ग्यारह सौ रुपये आंसर क्या होगा ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कहां पर संस्कृत केंद्र स्थापित किया जाएगा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हतनी कुंड बिराज को कितने करोड़ की लागत से थीम पार्क बनाया जाएगा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा बारह करोड़ रुपए आंसर क्या होगा सी अगला क्वेश्चन है हंगरी के बूडा पेस्ट में आयोजित कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता तो बताइए इसका इसका आंसर 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 क्या क्या आएगा तो फ्रेंड आ जाएगा दो। क्या हो गया अंसर? बी अगला क्वेश्चन है करनाल यमुनानगर नई रेलवे लाइन परियोजना पर कितने करोड़ रुपए की लागत आएगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा आठ करोड़ रुपए आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है इस बार के टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा का थीम सॉन्ग टोक्यो में लट, देश के संग हरियाणा और इसे किसने गाया तो का क्या तो बताइए इसका इसका आंसर आंसर क्या आएगा आएगा गजेंद्र गजेंट अगला क्वेश्चन है 2020 के ओलंपिक गेम 2021 में जापान के टोक्यो में आयोजित हुए इसमें भारत का समापन समारोह में दवस वाहक कौन था तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा बजरंग पुनिया आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक जुलाई 2021 को 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत करने की घोषणा थी यह लागू कब हुआ तो इसका क्या तो फ्रेंड इसका एक जनवरी दो को आंसर क्या हो गया ए क्वेश्चन नंबर तीन सौ इकसठ है बहत्तरवा राज्य स्तरीय वन महोत्सव पच्चीस जुलाई दो को कहा मनाया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा यमुनानगर आंसर क्या हो गया बी और ये सारी डिटेल मैंने यहाँ पे दे दी है अब देखते हैं अगला क्वेश्चन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई पोदाशाला मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा मनोहरलाल खट्टर आंसर क्या होगा बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा की दरोवर नामक पुस्तक विमोचन किसने किया तो ये किसने किया बताइए तो फ्रेंड ये किया मनोहर लाल खट्टर ने आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है 2020 के पैरा ओलंपिक अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक कहां पर हुए तो ये कहां पे हुए बताइए तो फ्रेंड ये हुए हैं टोक्यो में आंसर क्या हो गया डी और टोक्यो कहां है जापान में अगला क्वेश्चन है महेंद्रगढ़ जिले में स्थित कौन सी पहाड़ियों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ढोसी की पहाड़ियां आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है महेंद्रगढ़ जिले में स्थित ढोसी की पहाड़ियों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने में कितनी लागत आएगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा तीन सौ करोड़ रुपए आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है दो हजार इक्कीस में हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र कब से शुरू हुआ तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा बीस अगस्त आंसर क्या होगा बी अगला क्वेश्चन है 2021 में हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र कितने दिन चला तो ये कितने दिनों तक चला बताइए तो क्वेश्चन है 2021 में हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र कब समाप्त हुआ तो ये कब समाप्त हुआ बताइए तो फ्रेंड ये हुआ 24 अगस्त को आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है 20 अगस्त से 24 अगस्त 2021 तक चले हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र में कितने विधेयक पास हुए तो बताइए क्या क्या आएगा आएगा तो फ्रेंड आंसर होगा डी और उन सभी विधेयकों के बारे में मैंने यहां पर जानकारी दे दी है जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ठीक है अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दिशा कमेटी की स्टेट लेवल बैठक में कौन से अहम फैसले लिए गए तो बताइए पर अन्नपूर्ण तो तो अगस्त दो हजार इक्कीस को आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है पहला सौर ऊर्जा पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला तो ये कहां पर खुला बताइए तो फ्रेंड ये खुला है करनाल में आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है पंद्रह अगस्त दो स्वतंत्रता दिवस को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कहां से फहराया तो क्या तो बताइए इसका इसका आंसर 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 क्या क्या आएगा फ्रेंड आ जाएगा फरीदाबाद हो गया बी अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 2021 को हरियाणा के राज्यपाल भंडारू दत्तात्रेय ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कहां से फहराया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा गुरुग्राम आंसर क्या हो गया और जो उप मुख्यमंत्री है, है उन्होंने कहा से फहराया उन्होंने फहराया था नारनोल से आंसर क्या हो गया? डी। और ये बात कब की हो रही है पंद्रह अगस्त दो हजार इक्कीस की ठीक है अगला क्वेश्चन है पंद्रह अगस्त दो हजार इक्कीस को हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कहां से फहराया इसका आंसर क्या आएगा बताइए तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पंचकुला आंसर क्या हो गया डी 15 अगस्त 2021 को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कहां से फहराया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा अंबाला शहर आंसर क्या होगा बी अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 2021 को हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कहां से फहराया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा करनाल आंसर क्या हो गया सी और इस समय हरियाणा के डीजीपी कौन है बताइए तो फ्रेंड ये है प्रशांत कुमार अग्रवाल जिसको कहते हैं पीके अग्रवाल आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस जिले में कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा गुरुग्राम आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है मनोहर खट्टर के भाई का क्या नाम है जिनकी हाल ही में गुरुग्राम के मेदानता अस्पताल में स्थावन वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई है तो बताइए इसका आंसर आंसर क्या आएगा आएगा तो फ्रेंड इसका गुलशन लाल खट्टर आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है प्रदूषण को कम करने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने किस प्रोजेक्ट के तहत गुरुग्राम में 16 अगस्त 2021 से ई रिक्शा शुरू की तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा परिवर्तन तो प्रोजेक्ट के तहत आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है मनोहरलाल खट्टर ने ऑनलाइन माध्यम से कहां पर 16 अगस्त 2021 को वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की शुरुआत की तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सोनीपत आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है सोनीपत में लगने वाले वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पर लागत कितनी आएगी तो कितनी लागत आएगी बताइए तो फ्रेंड ये आएगी 175 करोड़ रुपए आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हरियाणा की सातवीं जनरल बॉडी मीटिंग की अध्यक्षता किसने की तो, किस की? तो ये किसने की बताइए मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कहां पर लाडो की बगिया ऑक्सीवन का शुभारंभ किया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड ये किया खानपुर खुर्द में जो कि पड़ता झज्जर में आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हर खेत स्वस्थ खेत अभियान के तहत कितने नए भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया जाएगा तो बताइए तो रवि कुमार धैया ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में स्थावन के जी भार वर्ग में कौन सा पदक जीता तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा सिल्वर आंसर क्या हो गया बी और रवि कुमार दहिया से रिलेटेड सारी डिटेल मैंने यहां पे दे दी है बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में पैंसठ केजी भार वर्ग में कौन सा पदक जीता तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आंसर आ जाएगा ब्रोंज क्या हो गया सी और बजरंग पुनिया की डिटेल मैंने यहाँ पे दे दी है आप यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक दो में जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा गोल्ड मेडल आंसर क्या हो गया ए और इनकी डिटेल भी यहाँ पे देख सकते हैं आप अगला क्वेश्चन है हरियाणा में 2 अगस्त 2021 को पहला हर हित रिटेल स्टोर कहाँ खोला गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पंचकूला आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है पदक विजेताओं को सर्वाधिक नगद राशि देने वाला राज्य कौन सा है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा हरियाणा आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हिसार एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा गुरुग्राम आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2021 को राज्य स्तरीय रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन का कहां पर किया गया तो बताइए इसका इसका आंसर 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 क्या तो क्या आएगा तो फ्रेंड आ जाएगा गुरुग्राम हो गया ए और जो भवंतर भरपाई योजना है इसमें बाजरे को भी शामिल कर लिया है अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने पेपर लीक गैंग को समाप्त करने के लिए राज्य स्तरीय टोल फ्री नंबर कौन सा शुरू किया है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सी अगला क्वेश्चन है हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहां पर दो पहिया वाहन व पैदल यात्रियों के लिए एक रेलवे फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा करनाल आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने 2030 तक शहद के उत्पादन को कितने गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है तो जाएगा तो दस गुणा क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मधुमक्खी पालन नीति 2021 व मधुमक्खी पालन कार्य नीति 2021 का शुभारंभ कहां से किया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा चंडीगढ़ आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार के द्वारा पराली नहीं जलाने वाले किसानों को कितने रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा हजार मनसा देवी श्राइन बोर्ड के लिए हरियाणा सरकार ने कितने करोड़ के बजट को मंजूरी दी है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा अठहत्तर करोड़ आंसर क्या हो गया ए और आज के लिए आपका क्वेश्चन है जो माता मनसा देवी का मंदिर है वो कहां पे है तो कमेंट करके बताइए माता मनसा देवी का मंदिर कहां पे है अगला है अगला क्वेश्चन पर्यटन विकास की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने टिक्कर ताल में मोटर बोट एक्टिविटी सहित अन्य वाटर एंड एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को हरी झंडी कब दी तो बताइए इसका आंसर क्या तो आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा उनतीस सितंबर दो को आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत सताईस सितंबर 2022 को कहां पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका फरीदाबाद आंसर क्या होगा? डी अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड कार फ्री डे पर किसके द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए साइकिल से सचिवालय पहुंचकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा मनोहर लाल खट्टर आंसर क्या होगा बी अगला क्वेश्चन है महिला शक्तिकरण के लिए हरियाणा सरकार ने नई पहल करते हुए प्रदेश की आईटीआई छात्राओं आई को कितने रुपए प्रतिमा देने की घोषणा की है तो बताइए इसका इसका आंसर आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड पांच सौ रुपए प्रतिमा आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है सरकार को अपनी निःशुल्क सेवा देने के लिए व्यक्तियों के लिए कौन से पोर्टल को लॉन्च किया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा समर्पण पोर्टल आंसर क्या हो गया सी और इसके बारे में ही डिटेल मैंने सारी दे दी है अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस ऐप के माध्यम से युवाओं को विभिन्न औद्योगिक तकनीकी व्यवसायिक और प्रतियोगी कोर्सेज का परीक्षण दिया जाएगा तो बताइए इसका इसका आंसर 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 क्या क्या आएगा आएगा तो फ्रेंड हुनर ऐप हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार के द्वारा जल संरक्षण अभियान की नव नियुक्त गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा मनिका शोकंद आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है सेवा समर्पण पर्व कितने दिन तक चला आंसर क्या आएगा इसका तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 20 दिन आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री विवाह विवाशगुन योजना के तहत मिलने वाली राशि 51000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 71000 आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा की बेटी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की शिवांगी महा यादव का चयन लिए कहां पर हुआ? तो क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा इसरो तो इस अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने गन्ने के रेट में कितने रुपए की वृद्धि की है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा बी बारह रुपए की आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है 2021 में बाबा लदाना स्थित बाबा राजपुरी पर तीन दिवसीय मेला कब से कब तक चला तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है डबल ए एस ऐसी अनूठी पहल करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पहला आंसर क्या हो गया ए डबल ए एस का मतलब क्या है ऑटो अपील सॉफ्टवेयर और इसकी सारी डिटेल मैंने यहाँ पे दे दी है और इसकी पी डी एफ एल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहाँ से पी डी एफ एल डाउनलोड कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं अगला क्वेश्चन है मारुति कंपनी का दूसरा बड़ा प्लांट कहाँ लगाया जाएगा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा सोनीपत के खरगोदा में आंसर क्या बी अगला क्वेश्चन है दो से दस अक्टूबर दो हजार इक्कीस तक ओस्लो नॉर्वे में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण था तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड ये था सत्तरवा आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने पदक जीता तो किसने जीता बताइए तो फ्रेंड ये जीता ए और बी दोनों ने यानी अंशु मलिक और सरिता मोर ने तो आंसर क्या होगा इसका सी जो अंशु मलिक है इसने जीता सिल्वर और सरिता मोर ने जीता कांस्य यानी ब्रॉन्स मेडल क्वेश्चन चार सौ इक्कीस है धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव दो हजार इक्कीस कब से कब तक आयोजित किया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा दो नवंबर से उन्नीस नवंबर दो हजार इक्कीस आंसर क्या हो गया बी और गीता महोत्सव से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं आप इन्हें भी देख सकते हैं अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसरो में चयनित होने वाली का संबंध कहां से है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा इंद्री जो कि पड़ता है करनाल में आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2021 कब से कब तक चला तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सत्रह से इक्कीस दिसंबर आंसर क्या हो गया ए ये विधेयक पारित किए गए देख सकते हैं आप स्क्रीन पे अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हरियाणा में उत्तर बीज पोर्टल का शुभारंभ किसने किया तो ये किसने किया बताइए तो फ्रेंड ये किया मनोहर लाल खट्टर ने आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को 2021 में अर्जुन अवार्ड दिया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा आठ खिलाड़ी आंसर क्या हो गया बी और अवार्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैंने यहाँ पे करा दिए हैं आप देख सकते हैं हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को 2021 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा चार आंसर क्या होगा ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा के कितने व्यक्तियों को 2021 में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका भी आंसर क्या आ जाएगा चार आंसर क्या हो गया ए और अवार्ड की पूरी डिटेल मैंने यहाँ पे दे दी है आप देख सकते हैं ठीक है इसकी पी फ़ाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं सभी खिलाड़ियों के नाम हैं और उनकी डिटेल भी है कि वो कहाँ से हैं किसने कौन सा मेडल जीता अगला क्वेश्चन है 11 से 13 नवंबर 2021 के बीच हुई सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप कौन से नंबर की थी तो क्या तो बताइए इसका इसका आंसर 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 क्या क्या आएगा फ्रेंड आ जाएगा हो गया ए अगला क्वेश्चन है छियासठवीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हरियाणा कौन से नंबर पे रहा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा तीसरे नंबर पे आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है चौबीसवीं सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हरियाणा कौन से नंबर पे रहा तो बताइए इसका इसका आंसर 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 क्या क्या आएगा तो फ्रेंड आ जाएगा पहले नंबर पे क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय युवाओं को पिचहत्तर प्रतिशत हिस्सा देने वाला कानून कब से प्रभावी हो जाएगा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पंद्रह जनवरी दो आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है पिछहत्तर प्रतिशत से अधिक फसल खराब होने पर दिया जाने वाला बारह हजार रुपए का मुआवजा बढ़ाकर कितना कर दिया है तो बताइए आंसर 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 क्या तो आएगा क्या आएगा आएगा तो फ्रेंड हो गया सी अगला क्वेश्चन है शाहबाद सरकारी चीनी मिल में निन्यानवे करोड़ की लागत से बने एथेनोल सेंटर का उद्घाटन आठ नवंबर दो किस को किसने किया तो बताइए किसने किया तो फ्रेंड ये किया मनोहर लाल खट्टर ने आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है उनतीसवीं राष्ट्रीय जूनियर तलवारबाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया तो बताइए इसका इसका आंसर आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड आ जाएगा हरियाणा में आंसर क्या हो गया डी वैसे हरियाणा में कहां पे हुआ था सोनीपत में अगला क्वेश्चन है उनतीसवीं राष्ट्रीय जूनियर तलवारबाजी प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन रहा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा हरियाणा आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है स्टेट कमिश्नर फॉर डिसेबिलिटीज पोर्टल मनोहर खट्टर के द्वारा कहां से लॉन्च किया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा चंडीगढ़ आंसर क्या होगा डी अगला क्वेश्चन है बागवानी सहायता केंद्र का शुभारंभ कब किया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा बी दो नवंबर अगला क्वेश्चन है करनाल में बनी आधुनिक सहकारी चीनी मिल कितनी लागत से तैयार की गई है तो बताइए इसका इसका आंसर 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 क्या तो आएगा क्या आएगा आएगा तो फ्रेंड करोड़ रुपए हो गया बी अगला क्वेश्चन है करनाल के गप्पू वाला बाग स्थल पर तैयार मिनी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है तो बताइए इसका आंसर क्या तो आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा उडन सिख सरदार मिल्खा सिंह के नाम पे आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में मिशन के तहत 22 नवंबर से 15 दिसंबर 2021 तक कितने मेले लगाकर एक लाख लोगों को रोजगार दिया गया तो बताइए क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 170 सौ आंसर हो गया बी अगला क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में हरियाणा के किस नगर निगम को गार्बेज फ्री सिटी अवार्ड मिला तो किसे मिला बताइए तो फ्रेंड ये मिला है ए और बी दोनों यानी रोहतक और गुरुग्राम को आंसर क्या होगा इसका फिर D. अगला क्वेश्चन है हरियाणा को स्वच्छ सर्वेक्षण दो में, देश में कौन सा स्थान मिला तो बताइए तो दूसरा आंसर क्या होगा इसका बी अगला क्वेश्चन है में, देश के टॉप 100 शहरों में हरियाणा के कितने शहर है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सात आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा के कितने नगर निकाय को प्लस प्रमाणित किया गया तो बताइए तिरतालीस आंसर क्या हो गया तो, डी अगला क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में हरियाणा में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा गुरुग्राम आंसर क्या हो गया बी और जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ ना उनकी डिटेल मैंने साथ ही साथ दे रखी है कंप्लीट डिटेल ठीक है और इसकी फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है है आप तो से डाउनलोड कर सकते हैं अगला क्वेश्चन श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में 2030 तक हर वर्ष कितने स्किल्ड युवा तैयार करने के लक्ष्य से कार्य किया जाएगा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा बारह हजार आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है अगर कोई व्यक्ति खेतों में पराली जलाता है तो आईपीसी की कौन सी धारा के तहत उसे छह महीने की जेल व पंद्रह हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा धारा एक आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है 21 से 23 नवंबर 2021 तक तीन दिवसीय इंडो इजराइल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पंचकुला आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों को 25 दिसंबर 2021 को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो बताइए इसका इसका आंसर 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 क्या तो आएगा, क्या आएगा आएगा तो फ्रेंड सुशासन पुरस्कार हो गया बी अगला क्वेश्चन है बावल में आयोजित हरियाणा प्रगति रैली के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कितने करोड़ की विकास योजना की मंजूरी दी आंसर बताइए इसका क्या तो आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा तीन करोड़ रुपए आंसर क्या होगा बी अगला क्वेश्चन है नूह में आयोजित हरियाणा प्रगति रैली के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कितने करोड़ की विकास योजना की मंजूरी दी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 250 करोड़ आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है अंतोदय ग्राम उत्थान मेले का आयोजन सबका साथ सबका विकास व सबका प्रयास के विजन के तहत कब से कब तक किया जाएगा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा उनतीस नवंबर से पच्चीस दिसंबर तक आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा मेडिकल काउंसिल द्वारा आयोजित डॉक्टर डे अवार्ड समारोह कहाँ आयोजित किए गए तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पंचकुला आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत व्यापार के बेहतर वातावरण प्रदान करने में हरियाणा कौन से नंबर पर है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पहले आंसर क्या होगा ए अगला क्वेश्चन है स्वामी ओमानंद सरस्वती के नाम पर विशाल संग्रहालय कहां पर बनेगा तो बताइए इसका आंसर क्या तो आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा झज्जर आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम का लोकार्पण किसने किया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा मनोहर लाल बी अगला क्वेश्चन है कृष्णा सर्किट थीम परियोजना के तहत आंसर तो क्या आएगा कुरुक्षेत्र आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस स्थान पर 40 फीट ऊंची भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ज्योतिसर आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की श्रृंखला में आयोजित कार्यक्रम सजदा का संबंध किससे है तो क्या है? तो बताइए इसका 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 आंसर 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 क्या क्या आएगा आएगा फ्रेंड संगीत से ए अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर नई दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा राज्य दिवस के अवसर पर कौन सी थीम के तहत हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन किया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर हरियाणा आंसर क्या हो गया इसका बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा ने नागरिक केंद्रीय सुशासन सूचकांक में कौन सा स्थान हासिल किया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पहला आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने नंबरदारों को दिया जाने वाला मानदेय पंद्रह सौ रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा तीन हजार कर दिया है। क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है तो तो ये ये कौन बनी है? तो ये बनी है है बताइए फ्रेंड अंशु मलिक आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं तो ये कौन बने हैं बताइए तो फ्रेंड ये बने हैं मुकेश खन्ना आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है ई श्रम योजना का पंजीकरण करने वाले व्यक्तियों का कितने रुपए तक का दुर्घटना बीमा मुफ्त मिलेगा तो बताइए इसका आंसर क्या तो आएगा आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आंसर लाख क्या होगा बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा के नीमन में से किस जिले में पहला हब स्थापित किया जाएगा तो बताइए इसका आंसर क्या तो आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा गुरुग्राम आंसर क्या होगा सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में 15 से 17 अक्टूबर के बीच तीन दिवसीय रीजनल तो क्या, तो क्या हो गया बी और ये किस जिले में है गुरुग्राम में अब देखते अगला क्वेश्चन हरियाणा में होने वाली डीसी रेट की भर्ती को अब किस नाम से जाना जाएगा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आंसर आ जाएगा निगम रेट क्या होगा इसका बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में 25 जुलाई 2021 को यमुनानगर में कौन सा राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया जिसमें एक लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा बहत्तरवा आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कोड नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा आंसर लाल हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कौन सी भाषा में पुरस्कार विजेताओं को हरियाणा तो क्या, तो क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में 100 प्रतिशत आबादी को दोनों कोरोना की डोज लगने वाला पहला जिला कौन सा बना तो जाएगा गुरुग्राम आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा में 100 प्रतिशत आबादी को दोनों कोरोना की डोज लगने वाला दूसरा जिला कौन सा बना तो बताइए इसका तो, friend, इसका आंसर 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 क्या क्या आएगा आएगा तो फ्रेंड अंबाला बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में 100 प्रतिशत आबादी को दोनों कोरोना की डोज लगने वाला तीसरा जिला कौन सा बना तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड ये बना है पंचकूला आंसर क्या हो गया सी देखो पहला बना गुरुग्राम दूसरा अंबाला तीसरा बना पंचकुला ठीक है अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कहां पर दो सौ करोड़ रुपए की लागत से 250 चिकित्सा बेड वाला आईपीडी राष्ट्रीय आयुर्वेद व व योग प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान खुलेगा तो ये कहां पे खुलेगा बताइए तो फ्रेंड ये खुलेगा पंचकुला में आंसर क्या होगा इसका बी अगला क्वेश्चन है आदि बद्री क्षेत्र में कितने करोड़ रुपए की लागत से डैम बिराज बनाया जाएगा तो बताइए तो विराज बनाया जाएगा जिसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के साथ इक्कीस जनवरी दो हजार बाईस को एमओयू पर हस्ताक्षर की तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा हिमाचल प्रदेश आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है इंडियन स्किल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हरियाणा ने कितने मेडल जीती तो बताइए इसका, तो इसका राष्ट्रीय फेसिंग प्रतियोगिता के दोनों वर्गों में ओवरऑल ट्रॉफी का विजेता कौन बना तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा हरियाणा कितने मेडल जीते चौदह आंसर क्या होगा इसका डी अगला क्वेश्चन है प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा कौन से विश्वविद्यालय के कुलपति हैं तो बताइए तो है, हरियाणा में कहां पर अश्वनी गुप्ता मेमोरियल ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट दो हजार बाईस का आयोजन किया गया तो बताइए इसका आंसर क्या तो इसका आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पंचकुला आंसर क्या हो गया बी और इसकी डिटेल मैंने यहाँ पे दे रखी है आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की अध्यक्षता किसने की तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा मनोहर लाल खट्टर आंसर क्या हो गया बी और इसकी डिटेल भी मैंने यहाँ पे दे रखी है इसी तरह से भी क्वेश्चन की डिटेल मैंने दे रखी है अगर आप इसकी पी डी एफ चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं अगला क्वेश्चन है 2022 में हरियाणा सरकार कौन कौन से बदलाव करेगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी तो आंसर क्या होगा इसका ई e. अगला क्वेश्चन है हरियाणा के कितने गांवों में युवाओं के लिए कमल क्लब बनाए जाएंगे तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा एक आंसर क्या गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार पहले चरण में सोलर वाटर पंपिंग स्कीम के तहत कितने सोलर पंप लगाएगी तो बताइए तो इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पचास हजार आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हाल ही में नगर निगम के चुनाव जीतकर बीजेपी की सर्वजीत कौर कहाँ की मेयर बन गई है तो बताइए तो इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा चंडीगढ़ आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा से गुजरने वाले ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर हरियाणा सरकार कितने नए रेलवे स्टेशन बनाएगी तो बताइए तो दस आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है छब्बीस जनवरी दो को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा पर ध्वजारोहण किया तो बताइए इसका आंसर क्या तो आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पंचकुला आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है छब्बीस जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहां पर ध्वज फहराया तो बताइए तो इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा अंबाला आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2022 को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहां से ध्वजारोहण किया तो बताइए तो इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा करनाल आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है छब्बीस जनवरी 2022 को हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने गणतंत्र दिवस समारोह में कहा से राष्ट्रीय ध्वज फहराया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा यमुनानगर आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है 2022 में पैंतीसवें सूरज कुंड मेले का आयोजन कब से कब तक किया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 20 मार्च से 4 अप्रैल तक आंसर क्या हो गया बी और 2022 वाले में थीम स्टेट कौन सा था जम्मू कश्मीर अगला क्वेश्चन है हरियाणा में 2022 का बजट वित्त मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा कब पेश किया गया तो इस क्या तो बताइए इसका इसका आंसर 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 क्या क्या आएगा आएगा फ्रेंड 8 मार्च हो गया बी अगला क्वेश्चन है पिछले वर्ष नुकसान ग्रस्त खरीफ की फसलों के मुआवजे के लिए हरियाणा सरकार ने बारह जिलों के कि किसानों के लिए कितने करोड़ देने की घोषणा की है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पांच करोड़ आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार द्वारा आंगनवाड़ी वर्कर मिनी वर्कर को सेवानिवृत्ति पर कितनी राशि दी जाती है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा एक लाख रुपए आंसर क्या होगा बी और यहां से और जो भी क्वेश्चन बन सकते थे ये सभी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं अगला क्वेश्चन है देश का पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट किस जिले में लगाया गया तो बताइए किस जिले में लगाया गया तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा रेवाड़ी आंसर क्या हो गया सी अगर पूछ ले गांव की तो आंसर आएगा बिसो आप देख सकते हैं डिटेल को अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना के तहत कितने रुपए की राशि दी जाती है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा इकहत्तर हजार रुपए आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है 25 फरवरी से 27 फरवरी 2022 तक चलने वाली 38वीं राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी कहां पर आयोजित की गई तो बताइए इसका आंसर क्या तो आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा भिवानी आंसर क्या होगा इसका बी अगला क्वेश्चन है आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कहां पर मंडल स्तर यानी स्पदन कला एवं दृश्य कला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी आंसर क्या होगा डी यानी छ के छे मंडलों में होगा ठीक है अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय कुश्ती टूर्नामेंट डैन कोलोव निकोला पेट्रोव 2022 में रवि कुमार ने कौन सा मेडल जीता तो बताइए इसका इसका आंसर आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड आ जाएगा सिल्वर आंसर हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किसानों को हरियाणा सरकार के द्वारा सोलर पंप पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पिछहत्तर प्रतिशत आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है चौदह फरवरी दो हजार बाईस को नू के लघु सचिवालय में नवनिर्मित दृश्यम कंट्रोल रूम का उद्घाटन किसने किया तो ये किसने किया बताइए तो फ्रेंड ये किया मनोहर खट्टर ने आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है आईएमटी मानेसर में ईएसआईसी एस अस्पताल का शिलान्यास किसने किया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा मनोहरलाल खट्टर आंसर क्या होगा इसका बी अगला क्वेश्चन है शहरी निकाय के समग्र विकास के लिए 1360 विकास परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 385 करोड़ आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री अंतोदय परिवार उत्थान योजना के तहत अंतोदय मेले के दूसरे चरण की शुरुआत कब से हुई तो बताइए क्या तो इसका आ जाएगा, दो मार्च दो हजार बाईस आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है गैर कानूनी तरीके से या जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कौन से बिल को मंजूरी दी गई है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध बिल 2022 हजार बाईस आंसर क्या होगा इसका सी अगला क्वेश्चन है करनाल कोविड डॉट कॉम वेबसाइट बनाने वाले आकर्ष कौशल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा पुरस्कार दिया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा पर 18 करोड़ खर्च करके कितने किलोमीटर में चार दिवारी खींची जाएगी तो बताइए इसका इसका आंसर आंसर क्या तो आएगा आएगा तो फ्रेंड 14 किलोमीटर आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वेटलैंड डे 2022 के अवसर पर गुरुग्राम में सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि किसने शिरकत की तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा

अंसर क्या हो इसका सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में प्रति व्यक्ति के लिए प्रतिदिन दूध उपलब्धता कितनी है तो ये कितनी है बताइए तो फ्रेंड ये 1142 ग्राम आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री ने हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक में तीन सौ बीस योजनाओं के लिए कितने करोड़ की राशि को मंजूरी दी है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा चार सौ चौरानवे करोड़ आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कहा छत्तीस पॉइंट आएगा पंचकुला सेक्टर तीन आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा सविता पुनिया आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है शराब खरीदने बेचने व सेवन करने की उम्र 25 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी है तो बताइए इसका इसका आंसर 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 क्या तो क्या आएगा तो फ्रेंड आ जाएगा 21 हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार के अनुसार रोजगार गारंटी कानून लागू होने के कारण हरियाणा कब तक बेरोजगारी मुक्त और रोजगार युक्त हो जाएगा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 2024 आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है 25 छब्बीस फरवरी 2022 को अर्बन डेवलपमेंट कंक्लेव का आयोजन कहाँ किया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो आंसर आ जाएगा इसका गुरुग्राम आंसर क्या होगा डी अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 एसडीजी इंडिया इंडेक्स में हरियाणा कौन से स्थान पर रहा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पहली आंसर हो गया डी अगला क्वेश्चन है आपकी बेटी हमारी बेटी योजना में हरियाणा सरकार एस सी व बीपीएल परिवारों की बेटी के जन्म पर कितने रुपए की राशि दी जाएगी तो बताइए इसका आंसर क्या तो आएगा तो फ्रेंड इसका इक्कीस आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड दो मिला तो बताइए इसका आंसर क्या तो आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पांच आंसर क्या हो गया ए और उन पांचों के नाम स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है हरियाणा साहित्य पर्व 24 फरवरी के अवसर पर खट्टर ने चंडीगढ़ स्थित टैगोर थिएटर में हिंदी उर्दू पंजाबी भाषा के कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा एक आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस समारोह में हरियाणा की झांकी का थीम क्या था तो बताइए क्या आएगा? आएगा तो फ्रेंड नंबर वन आंसर क्या होगा इसका? बी अगला क्वेश्चन है छब्बीस जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस पर कृति यादव और उसकी कैडेट कोर की परेड का प्रदर्शन उच्च स्तरीय होने पर किसके द्वारा सम्मानित किया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा नरेंद्र मोदी आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जूडो कराटे मुकाबले में हरियाणा के लवनीत ने कौन सा पदक जीता तो बताइए आंसर आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आएगा स्वर्ण पदक आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है सविता पुनिया की कप्तानी में 2022 के महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड ये आएगा कास्या पदक आंसर हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा के दो नए सूचना आयुक्त ज्योति अरोड़ा व पंकज मेहता का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा तो बताइए इसका आंसर आंसर क्या एगा? तो फ्रेंड वर्ष हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में पहला मदर मिल्क बैंक कहा खोला गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा रोहतक आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है यूनेस्को में सीनियर रिसर्च कंसल्टेंट के पद पर चयन होने वाली दिव्या शर्मा हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा कैथल आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष रेणु भाटिया का संबंध किस जिले से है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा फरीदाबाद आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर हरियाणा की किस महिला का चयन हुआ है तो बताइए क्या तो आएगा क्या आएगा आएगा तो फ्रेंड प्रकृति मलिक आंसर ए अगला क्वेश्चन है किसानों तक उत्तम बीज पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया तो बताइए इसका आंसर क्या तो इस आएगा तो इसका आंसर आएगा उत्तम बीज पोर्टल आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार 2022 हजार में गेहूं की खरीद कब से शुरू करेगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा एक अप्रैल आंसर क्या होगा डी अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने 2022 हजार के लिए गेहूं की खरीद का एमएसपी कितना रखा था तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा दो आंसर क्या होगा ए अगला क्वेश्चन है गेहूं कौन सी फसल का उदाहरण है बताइए तो फ्रेंड ये रवि की फसल आंसर क्या हो गया मनोहर लाल क्षेत्र में आयोजित हरियाणा प्रगति रैली में चौदह करोड़ की विकास परियोजना की घोषणा की वह पैंतालीस करोड़ की सात परियोजनाओं का उद्घाटन किया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ती गांव आंसर क्या हो गया सी और ये कहां पड़ता है फरीदाबाद में अगला क्वेश्चन है हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 22 जिलों में कितने नए महिला थाने खोले जाएंगे तो बताइए इसका आंसर क्या तो इसका आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 33 आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं तो ये कौन बने हैं बताइए तो फ्रेंड ये बने वर्धन आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा के नए राज्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं तो ये बने हैं सत्यवीर सिंह फुलिया आंसर क्या हो गया सी देखो मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं विजय वर्धन लेकिन इसने पूछा सिर्फ नए राज्य सूचना आयुक्त तो कौन है ये सत्यवीर सिंह फुलिया अगला क्वेश्चन है हरियाणा के नए मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त को शपथ किसने दिलाई तो बताइए इसका आंसर क्या तो आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा मनोहर लाल खट्टर ने आंसर क्या हो गया ए क्वेश्चन नंबर पाँच है वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2021 में हरियाणा की कितनी वुमेन ने अवार्ड जीता तो बताइए इसका आंसर क्या तो आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा सात आंसर क्या हो गया सी और उन सातों के नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है 23 मार्च को शहीद दिवस किसके नाम पर मनाया जाता है तो बताइए इसका आंसर क्या तो आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी आंसर क्या होगा डी अगला क्वेश्चन है हरियाणा विधानसभा सत्र 2022 में कुल कितने बिल पास हुए तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पंद्रह आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो ये कब मनाया जाता है बताइए तो ये मनाया जाता है बाईस मार्च को आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में कौन सा स्थान हासिल किया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो इसका आंसर आ जाएगा पांचवा आंसर क्या ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक 2022 पास करके किस पर रोक लगेगी बताइए इसका आंसर क्या आएगा आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है साठ वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को बूस्टर डोज दूसरे टीके के कितने दिन बाद लगेगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में जींद जिले के सूदकण खुर्द की बेटी विकास राणा ने नेशनल विंटर बैथलोन गेम 2022 में कौन सा मेडल जीता तो इसका आंसर क्या आएगा तो इसका आंसर आएगा ब्रॉन्ज आंसर क्या होगा सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में 19 एकड़ में एडवेंचर पर्यटन केंद्र बनेगा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा इसका आंसर आएगा सी गुरुग्राम अगला क्वेश्चन है दो में सूरज मेला कौन से नंबर का मेला है तो कौन से नंबर का मेला था बताइए तो फ्रेंड ये था पैंतीसवें नंबर का आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है 2022 के सूरज कुंड मेले की शुरुआत कब हुई तो ये कब हुई थी बताइए तो ये हुई थी 19 मार्च को आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है 2022 के सूरज कुंड मेले का समापन कब हुआ तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 4 अप्रैल आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है 2022 में सूरज कुंड मेले का उद्घाटन 19 मार्च 2022 को किसने किया तो ये किसने किया बताइए तो फ्रेंड ये किया मनोहर लाल खट्टर और भंडारू दत्तात्रेय ने आंसर क्या हो गया बी और सी दोनों तो आंसर हो गया इसका डी अगला क्वेश्चन है 2022 का सूरज कुंड मेला कितने दिन चला तो बताइए इसका आंसर क्या तो इसका आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा सत्रह दिन आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है सूरजकुंड एक कैसा मेला है तो ये कैसा मेला है बताइए तो फ्रेंड ये है सिल्प मेला आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है 2022 में सूरज कुंड मेले का पार्टनर राज्य कौन सा है तो ये कौन सा है बताइए तो फ्रेंड ये है जम्मू कश्मीर आंसर क्या होगा इसका ए अगला क्वेश्चन है 2022 में सूरज कुंड मेले का पार्टनर देश कौन सा है तो ये कौन सा है बताइए तो फ्रेंड ये है उज्बेकिस्तान आंसर क्या होगा इसका ए अगला क्वेश्चन है सूरज कुंड का मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है तो ये किस जिले में लगता है बताइए तो फ्रेंड ये लगता है फरीदाबाद में आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है सूरज कुंड का निर्माण किस तोमर शासक ने करवाया था तो ये किसने करवाया था बताइए तो फ्रेंड ये करवाया था सूरजमल ने आंसर क्या हो गया इसका ए अगला क्वेश्चन है सूरज कुंड का पुराना नाम क्या था तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा म्यूर झील आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में दो हजार बाईस तेईस का बजट किसने पेश किया तो ये किसने किया बताइए तो फ्रेंड ये क्या मनोहर लाल खट्टर ने आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा बजट दो हजार बाईस तेईस मनोहर लाल खट्टर ने किस दिन पेश किया तो ये किस दिन किया बताइए ये किया आठ मार्च को आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा 2022 का बजट का पेश किया गया पे किया गया बताइए ये किया गया हरियाणा विधानसभा में आंसर क्या होगा इसका ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा बजट 8 मार्च 2022 को पेश किया गया उस दिन कौन सा दिवस था बताइए इस इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड उस दिन था अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कौन सा बजट अंतोदय और सुशासन की भावना पर आधारित था तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो इसका आंसर आएगा 2022 23 का आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है 8 मार्च 2022 को मनुलाल खट्टर ने अपना कौन से नंबर का बजट पेश किया तो ये कौन से नंबर का किया बताइए तो फ्रेंड ये क्या तीसरे नंबर का आंसर क्या होगा इसका सी अगला क्वेश्चन है 2022 का हरियाणा बजट कुल कितने पन्नों का बजट था बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा चौहत्तर पन्नों का आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हाल ही में हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है तो ये कौन है बताइए तो फ्रेंड ये मनोहर लाल खट्टर आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है बजट 2022 के समय हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे तो ये कौन थे बताइए तो फ्रेंड ये थे ज्ञानचंद गुप्ता आंसर क्या हो गया डी अगला तो क्वेश्चन है हरियाणा बजट सत्र 2022 कब से शुरू हुआ था तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा दो मार्च से आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा बजट सत्र 2022 का समापन कब हुआ था तो ये कब हुआ था बताइए तो फ्रेंड ये हुआ था बाईस मार्च को आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा बजट सत्र 2022 में कितने दिन छुट्टी रही और कितने दिन बैठक हुई तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा नौ दिन बैठक हुई और बारह दिन छुट्टी आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है 2022 में हरियाणा का कुल बजट कितना था तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा एक लाख सत्तर हजार दो सौ पचपन पॉइंट निन्यानवे करोड़ आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है दो में हरियाणा का कुल बजट कितना है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा एक लाख पचपन हजार छह सौ पैंतालीस करोड़ आंसर क्या होगा इसका बी अगला क्वेश्चन है दो हजार बाईस का बजट दो हजार इक्कीस के मुकाबले कितने प्रतिशत अधिक है बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पंद्रह पॉइंट ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा बजट 2022 में हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितने करोड़ के बजट की घोषणा की है तो बताइए आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा छह हजार आठ सौ छब्बीस करोड़ आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा बजट दो हजार बाईस में हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्र के लिए कितने करोड़ के बजट की घोषणा की है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा आठ हजार पिचासी करोड़ आंसर हो गया बी अगला क्वेश्चन है बजट 2022 में दस हजार से ज्यादा जनसंख्या वाले गांव में कौन सी सुविधा देने की घोषणा की है तो बताइए क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा शहरी सुविधा आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है बजट 2022 में हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 200 करोड़ आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है ग्रामीण सड़कों की मरम्मत व रखरखाव के लिए जिला परिषद को दी जाने वाली निधि का अनुपात दस प्रतिशत से बढ़ाकर कितना कर दिया है तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पंद्रह प्रतिशत आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है शिवालिक क्षेत्र में कलेसर से कालका तक कितनी लंबी नेचर ट्रेल स्थापित की जाएगी बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा डेढ़ सौ किलोमीटर यानी एक सौ पचास किलोमीटर आंसर हो गया सी अगला क्वेश्चन है वित्त वर्ष दो हजार में हरियाणा के कितने परिवारों को अंत्योदय योजना में कवर किया जाएगा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका दो लाख आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा बजट 2022 में शिक्षा पर कितने करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा बीस करोड़ आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा बजट 2022 में स्वास्थ्य पर कितने करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए सभी सरकारी कॉलेजों में कितने स्मार्ट क्लास बनाए जाएंगे तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा दस आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है राज्य की लड़कियों को परिवहन सुविधा फ्री की जाएगी इसके लिए साथी सुरक्षा एवं सुलभ हरियाणा पहल योजना किसके लिए शुरू होगी तो किन के लिए शुरू होगी बताइए तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी आंसर क्या होगा डी अगला क्वेश्चन है साथी सुरक्षा एवं सुलभ हरियाणा पहल योजना कब से शुरू होगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा अप्रैल 2022 से आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है संस्कृत मॉडल स्कूलों की संख्या 138 से बढ़ाकर कितनी की जाएगी तो बताइए इसका आंसर क्या तो इस आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 500 आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है आने वाले तीन सालों में कितने नए सांस्कृतिक मॉडल स्कूल खोले जाएंगे तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 362 आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में सरकारी चिकित्सा कॉलेजों में पीजी कोर्स के लिए कितने प्रतिशत सीटें सरकारी चिकित्सकों के लिए आरक्षित की जाएंगी तो फ्रेंड इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा चालीस प्रतिशत आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की स्थापना कौन सी परियोजना को लोन देने के लिए की गई तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा मेट्रो परियोजना आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है बजट 2022 पेश करने से पहले की गई आठ बैठकों में कितने सुझाव लिए गए तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 550 आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य की एस योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो इसका आंसर आएगा एक लाख चौदह हजार सतंतर करोड़ रुपए आंसर क्या होगा डी अगला क्वेश्चन है सुषमा स्वराज राज्य सत्रीय पुरस्कार में महिलाओं को कितने रुपए की राशि दी जाएगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो इसका आंसर आएगा पांच लाख आंसर क्या होगा सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने मई 2022 में कितने लाख छात्रों को टैब देने की घोषणा की है तो बताइए इसका इसका आंसर आंसर क्या आएगा इसका आएगा पांच लाख आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है लाख टैब और निशुल्क इंटरनेट डेटा के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की गई है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा छह करोड़ आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कितने हजार होमगार्ड बढ़ाए जाएंगे बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा दस हज़ार आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है दो हजार बाईस में फसल खराब की मुआवजा राशि बारह हजार रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति एकड़ कर दी गई है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पंद्रह हज़ार आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है ऐसी महिलाएं जिनकी आय पांच लाख रुपए से कम है लेकिन उद्यमिता के क्षेत्र में काम करना चाहती हैं उन्हें सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से तीन लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा तो बताइए ये पैसे किस योजना के अंतर्गत मिलेंगे बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना आंसर क्या हो गया ए क्वेश्चन नंबर छह सौ एक है निम्न में से कौन से शहर की कामकाजी महिलाओं के लिए बजट में हॉस्टल बनाने की घोषणा की गई है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी आंसर क्या होगा डी अगला क्वेश्चन है निम्न में से कहां स्पोर्ट्स इंजरी रिहैबिलिटेशन केंद्र खुलेगा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी आंसर क्या होगा ई e. अगला क्वेश्चन है निम्न में से कहां पर हरियाणा राज्य खेल संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पंचकुला आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है 2022 के बजट में कितनी खेल नर्सरियां खोलने की घोषणा की गई है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 1100 आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है निम्न में से कहां पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना होगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा सोहना आंसर क्या हो ए अगला क्वेश्चन है सोना में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 662 करोड़ आंसर क्या होगा बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा बजट 2022 में एचआईवी पीड़ित को कितने रुपए प्रतिमा देने की घोषणा की है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 2250 आंसर क्या होगा ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार 2022 में कितने नए मकान बनाएगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका अगला क्वेश्चन है भौतिकी व गणित में उच्च स्थान हासिल करने वाले बच्चों को कहा की सैर कराई जाएगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ए और बी दोनों यानी नासा और इसरो की आंसर क्या होगा डी अगला क्वेश्चन है नीमन में से किने आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा जिनकी आय है आंसर क्या, तो क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है नीमन में से कौन सी पीजीआई में किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू की जाएगी बताइए इसका आंसर क्या तो आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा रोहतक पीजीआई आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है रोहतक पीजीआई में किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा पर कितने करोड़ का खर्च आएगा तो बताइए क्वेश्चन तो है साल 2025 तक मेडिकल कॉलेजों में स्नातक की सीटों की संख्या 700 से बढ़ाकर कितनी होगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा तीन आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है नीमन में से किस जिले में नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित होंगे तो बताइए तो इसका डी अगला क्वेश्चन है महाभारत कालीन थीम कहां पर बनेगा? तो ये बताइए कहां पे बनेगा तो फ्रेंड ये बनेगा कुरक्षेत्र में आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है 2022 में कितने साइबर स्टेशन खोलने की घोषणा की है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा इक्कीस आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कहा स्वामी ओमानंद सरस्वती राजकीय संग्रहालय स्थापित करके उसमें एक पॉइंट आठ लाख कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा तो बताइए तो इसका इसका आंसर आंसर क्या आएगा आएगा तो फ्रेंड झज्जर आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है ग्रामीण खंडों और नगर निकायों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए जाएंगे तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ए और बी दोनों आंसर क्या हो गया अगला सी हो गया? अगला क्वेश्चन है शहरों के सामाजिक सांस्कृतिक व पर्यावरणीय विकास के लिए कौन सी योजना शुरू होगी तो बताइए इसका इसका आंसर 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 क्या क्या आएगा तो फ्रेंड आ जाएगा हो गया सी अगला क्वेश्चन है पॉइंट टू पॉइंट परिवहन सुविधा के लिए कौन सी नीति की शुरुआत की जाएगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा मैक्सी कैब नीति आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है सूरज कुंड में दूसरा शिल्प मेला कब लगेगा तो बताइए कब लगेगा तो फ्रेंड ये लगेगा नवंबर में आंसर क्या होगा डी अगला क्वेश्चन है करनाल व वीवानी हवाई पट्टियों की लंबाई तीन हजार फुट से बढ़ाकर कितने फुट करने का लक्ष्य रखा है तो बताइए इसका आंसर क्या तो इसका आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पांच हजार आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में इस वर्ष कितने किलोमीटर नई सड़क व कितने किलोमीटर सुधारीकरण का लक्ष्य रखा है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 300 किलोमीटर नई सड़क और छह हजार किलोमीटर सुधारीकरण वाले बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन मिलती रहेगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा तीन लाख पचास हजार आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा रेवाड़ी आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है एशियन कुश्ती प्रतियोगिता 2022 में भारत ने 17 पदक जीते जिसमें से हरियाणा के खिलाड़ियों के कितने थे तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा तेरह आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है एशियन कुश्ती प्रतियोगिता 2022 में एकमात्र स्वर्ण पदक किस हरियाणवी ने जीता तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा रवि कुमार धैया आंसर क्या हो गया बी तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है जो रवि कुमार धैया है ये कितने भार वर्ग में खेलते हैं जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए वैसे मैंने रवि कुमार धैया की सारी डिटेल यहाँ पे दे दी है आप देख सकते हैं और साथ में एशियन कुश्ती प्रतियोगिता की भी डिटेल दे रखी है कि किसने कौन सा पदक जीता अब देखते हैं अगला क्वेश्चन राव वीरेंद्र सिंह खेल परिसर गुरुग्राम के वजीराबाद में कितने करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा तो बताइए क्वेश्चन है गुरुग्राम के वजीराबाद गांव में कितने एकड़ भूमि पर राव वीरेंद्र सिंह खेल परिसर बनाया जाएगा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ग्यारह एकड़ आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को अब प्राइवेट स्कूलों में दस प्रतिशत आरक्षण से बढ़ाकर कितना कर दिया है तो बताइए इसका इसका आंसर 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 क्या क्या आएगा आएगा तो फ्रेंड हो गया सी क्वेश्चन नंबर है हरियाणा के किस जिले में मनोहर लाल खट्टर ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत बत्तीस करोड़ की परियोजना का शिलान्यास किया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड तो इसका आंसर आ जाएगा करनाल आंसर क्या होगा तो तो डी तो हमारा अगला क्वेश्चन है सोनीपत के जीवीएम शिक्षण संस्थान में इंद्रधनुष सभागार का उद्घाटन किसने किया तो बताइए ये किसने किया तो फ्रेंड इसका आंसर मनोहर लाल खट्टर ने आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है सिखों के नौवे गुरु श्री तेग बहादुर जी के चरसों में प्रकाश उत्सव का आयोजन 24 अप्रैल 2022 को हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया गया तो बताइए इसका आंसर क्या तो आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पानीपत आंसर क्या होगा डी अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार कितने रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों की बेटियों को स्नातकोत्तर तक निःशुल्क शिक्षा देगी तो बताइए इसका इसका आंसर 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 क्या तो आएगा, क्या आएगा आएगा तो फ्रेंड हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में गुरुग्राम जिले के घाटा गांव में कितने हेक्टेयर जमीन पर गुरुग्राम का पहला नगर वन बनेगा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा चालीस हेक्टेयर आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है विश्व कौशल केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा तो बताइए तो का गठन किसके द्वारा किया गया तो बताइए इसका आंसर क्या तो इस कंसर आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा मनोहर लाल खट्टर तो आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा में लगने वाली बूस्टर डोज पर हरियाणा सरकार कितने करोड़ रुपए खर्च करेगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 300 करोड़ आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है 18 से 59 वर्ष के लोगों को लगने वाली निशुल्क बूस्टर खुराक की कीमत कितनी है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 250 आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कब किया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा चार जून से तेरह जून तक आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है देश में किसानों की सर्वाधिक आमदनी वाले राज्य में हरियाणा कौन से स्थान पर है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा तीसरे आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में एनिमिया उन्मूलन सप्ताह दो कब से कब तक मनाया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा एक से सात मई तक आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है अमृतसर सरोवर योजना के तहत 1 मई 2022 को सोनीपत के नहरा गांव में राज्य स्तरीय समारोह के दौरान मनोहर लाल खट्टर ने कितने निर्मल सरोवरों का शुभारंभ किया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 111 आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के शहीदों का स्मारक कहां बन रहा है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा अंबाला कैंट आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में 15 अगस्त 2022 तक कितने तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा तो बताइए इसका आंसर क्या तो आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा आठ हजार आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है पानीपत के डाहर में नई सुगर मिल का उद्घाटन किसने किया तो बताइए इसका आंसर क्या तो आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा मनोहर लाल खट्टर आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जींद जिले में कितने करोड़ की अठारह परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया तो बताइए इसका इसका आंसर 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 क्या तो 135 क्या आएगा आएगा तो फ्रेंड करोड़ हो गया ए अगला क्वेश्चन है राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोनीपत में कितने करोड़ की पांच सड़क परियोजनाओं की सौगात दी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा अठाईसो इकहत्तर पॉइंट अस्सी करोड़ आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र को कितने करोड़ की इक्यानवे योजनाओं की सौगात दी है तो बताइए इसका इसका आंसर आंसर क्या तो फ्रेंड आएगा सत्रह करोड़ आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री ने पानीपत जिले में कितने करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा सत्रह अड़सठ करोड़ आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2022 कौन से नंबर का संस्करण था तो बताइए इसका इसका आंसर आंसर क्या आएगा तो आएगा तो फ्रेंड पैंतीसवें अगला क्वेश्चन है हरियाणा विधानसभा के पहले डिजिटल सत्र की शुरुआत कब से हुई तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा आठ अगस्त दो से आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 2022 कितने दिनों तक चला तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा तीन दिन आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा विधानसभा के पहले डिजिटल सत्र की शुरुआत कैसे की गई तो बताइए इसका आंसर क्या तो आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा राष्ट्रीय गान से आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा विधानसभा के पहले डिजिटल सत्र का समापन कैसे किया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा राष्ट्रीय गीत से आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा विधानसभा 2022 के मानसून सत्र में सदन की कार्रवाई रोजाना कितने घंटे चली तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा छह घंटे आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है महेंद्रगढ़ के संदीप पुनिया ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में रेस वॉकिंग में कौन सा पदक जीता तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ब्रॉन्ज आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है बीस वर्ष की सेवा पूरी कर चुके साठ वर्ष से अधिक उम्र के पत्रकारों को हरियाणा सरकार कितने रुपए मासिक पेंशन दे रही है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा दस हजार आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत पर कितने करोड़ खर्च करेगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पच्चीस करोड़ आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा रोडवेज बसों में रक्षा बंधन दो के अवसर पर 10 अगस्त दोपहर बारह बजे से 11 अगस्त रात्रि बारह बजे तक कौन कौन मुफ्त यात्रा कर सकते हैं तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा बी और सी दोनों तो आंसर क्या हो गया डी यानी महिला और 15 वर्ष तक के बच्चे फ्री में यात्रा कर सकते हैं तो आंसर क्या हो गया डी क्वेश्चन नंबर छह सौ इकसठ है डिजिटल हरियाणा विधानसभा के पहले सत्र का उद्घाटन किसने किया तो बताइए इसका इसका आंसर 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 क्या तो आएगा, खटर, क्या आएगा आएगा तो फ्रेंड मनोहर लाल खट्टर हो गया बी अगला क्वेश्चन है सीटी का एग्जाम आगामी पांच छह सात नवंबर दो हजार बाईस को कौन सी एजेंसी के द्वारा आयोजित करवाया जाएगा तो बताइए तो इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आंसर क्या होगा इसका डी अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कॉमनवेल्थ गेम में चौथे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को हरियाणा सरकार कितने रुपए देगी तो ये कितने रुपए देगी बताइए तो फ्रेंड ये देगी लाख आंसर क्या होगा इसका सी अगला क्वेश्चन है आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस पंद्रह अगस्त दो को मनोहर लाल खट्टर कहां से ध्वजारोहण करेंगे तो ये कहां से किया बताइए तो फ्रेंड ये किया है समाल से आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2022 को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रे कहां से ध्वजारोहण करेंगे तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा अंबाला कैंट आंसर क्या हो गया सी इसके अलावा आप देख सकते हो दुष्यंत चौटाला बहादुरगढ़ से अनिल विज जो कि गृह मंत्री हैं इन्होंने किया राDor से ज्ञानचंद गुप्ता ने किया असंद से अगला क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी के द्वारा कब इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी में टू जी इथेनोल का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया तो बताइए इसका तो इसका इसका आंसर 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 क्या क्या आएगा आएगा तो फ्रेंड 10 अगस्त 2022 होगा ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कितने करोड़ में तैयार होगा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पांच करोड़ आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है 12 जुलाई 2022 हजार बाईस पंचकूला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का लोकार्पण किसने किया तो ये किसने किया बताइए तो फ्रेंड ये पीयूष गोयल और मनोहर लाल खट्टर ने तो आंसर क्या हो गया सी और भी दोनों अगला क्वेश्चन है पंचकुला में बने देश के सत्रह में एन संस्थान में कितने प्रतिशत सीटें हरियाणा के छात्रों के लिए आरक्षित होंगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा बीस प्रतिशत आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है गोरड गांव को 1470 लिंग अनुपात के कारण बेस्ट विलेज स्कीम में चुना गया यह गांव किस जिले में आता है तो बताइए ये किस जिले में आता है तो फ्रेंड ये आता है सोनीपत में आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर कब से प्रतिबंध लगा दिया है तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा एक जुलाई दो आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कब से कब तक हर घर तिरंगा अभियान मनाया जाएगा तो बताइए इसका इसका आंसर 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 क्या तो क्या आएगा तो फ्रेंड आ जाएगा से अगस्त हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा सात आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है करनाल में खुले ड्राइविंग प्रशिक्षण व शोध संस्थान का उद्घाटन किसने किया तो ये किसने किया बताइए तो फ्रेंड ये किया मनोहर लाल खट्टर ने आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा की सविता पुणे की कप्तानी में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कौन सा पदक जीता तो ये कौन सा जीता तो फ्रेंड ये जीता कांस्य आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हर घर तिरंगा अभियान के तहत आंगनवाड़ी पंचायत घर पोस्ट ऑफिस केंद्रों से कितने रुपए में राष्ट्रीय ध्वज खरीदा जा सकता है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका फ्रेंड इसका आंसर आएगा तीसरे आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है 19 तो तो जुलाई 2022 को कुरुक्षेत्र में कौन से नंबर का वन महोत्सव मनाया गया जिसके मुख्य अतिथि मनोहर खट्टर थी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आंसर आएगा में क्या हो गया? एक ही मनाया से कम से कम गया तिहत्तरवी इसके मुख्य अतिथि कौन थे तो कौन हो जाएंगे मनोलाल खट्टर या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि कब मनाया गया 19 जुलाई को तो हमने क्वेश्चन इस तरीके से तैयार कर रखे हैं जिसमें एक ही क्वेश्चन से तीन से चार क्वेश्चन बन जाएं

तो ये किसने की बताइए तो फ्रेंड ये की मनोहर लाल खट्टर ने आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है 1930 डायल का संबंध किससे है तो ये किससे है बताइए तो फ्रेंड ये है साइबर अपराध से आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड एविएशन का हब कहा खुलेगा तो ये कहां पे खुलेगा बताइए तो फ्रेंड ये खुलेगा हिसार में तो आंसर क्या होगा इसका ए ये गलती से दो बार लिख दिया है आप इसको छोड़ दो तो आंसर क्या आएगा इसका हिसार ए वैसे बात करें हिसार में कहाँ पे खुलेगा महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पे अब देखते हैं अगला क्वेश्चन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने 88.13 मीटर भाला फेंक कर कौन सा पदक जीता तो ये कौन सा पदक जीता बताइए तो फ्रेंड ये जीता सिल्वर आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है खजूर की खेती करने पर हरियाणा सरकार कितने रुपए प्रति एकड़ का अनुदान देगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा एक पॉइंट चार लाख प्रति एक क्या हो गया? अगला क्वेश्चन है विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है तो तो बताइए इसका इसका आंसर आंसर क्या आएगा फ्रेंड आ जाएगा अट्ठाईस जुलाई आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है एक पेड़ विश्वास का वृक्षारोपण अभियान कब से कब तक चलेगा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पांच से सात अगस्त दो हजार बाईस आंसर क्या बी। अगला क्वेश्चन है करनाल में हरियाणा सरकार व होंडा द्वारा करीब चौंतीस करोड़ की लागत से निर्मित ड्राइविंग प्रशिक्षण व अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कर तो तो डायमंडीग में नवासी पॉइंट चौरानवे मीटर भाला फेंक कर नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता तो ये कौन सा जीता तो ये जीता रजत आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है भारत में जून 2022 में जीएसटी कलेक्शन करने में हरियाणा कौन से स्थान पर है तो बताइए इसका आंसर क्या तो आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा छठे आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चरखी दादरी वासियों को कितने करोड़ की सौगात दी तो बताइए इसका आंसर क्या तो आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 1100 करोड़ आंसर क्या हो गया बी क्वेश्चन नंबर छह सौ इक्यानवे है उन्नीस जुलाई दो हजार बाईस को नितिन गडकरी व मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में चौतीसौ उनचास करोड़ रुपए की लागत वाली स्तंत्र किलोमीटर कुल लंबाई की कितनी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण किया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा तीन आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है 125 मिनट तक भूमाशन कर वर्ल्ड वाइड बुक में नाम दर्ज करवाने वाले पंकज सिंह रोहा का संबंध किस जिले से है

तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा आम मिला आंसर तो क्या, तो क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम चार जून 2022 से किस जिले में शुरू हुए थे तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पंचकुला आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 की सभी कॉलो की लैंडिंग किस नंबर पर शुरू की गई तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 112 आंसर क्या होगा डी अगला क्वेश्चन है चंडीगढ़ में स्थित मुख्यमंत्री निवास को अब किस नाम से जाना जाएगा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा संत कबीर कुटीर आंसर क्या होगा इसका बी अगला क्वेश्चन है 21 जून को आठवां राज्य स्तरीय योग दिवस कहां आयोजित किया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा भिवानी आंसर क्या हो गया सी और पहला कब आयोजित किया गया था दो में अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सी सी टी एन एस हैकथान और साइबर चैलेंज 2022 में हरियाणा पुलिस की जांच ऐप ने कौन सा स्थान हासिल किया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा तीसरा आंसर क्या होगा सी अगला क्वेश्चन है पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कितने खिलाड़ियों को भीम अवार्ड से सम्मानित किया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा बावन आंसर क्या हो गया सी तो आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है जो अवार्ड है इसमें कितने रुपए की राशि दी जाती है बताइए देखते किसका आंसर सही होता है मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ एक लाख दो लाख पांच लाख या दस लाख तो बताइए इनमें से आपका आंसर क्या है अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म सिंचाई की 7500 प्रदर्शन परियोजनाओं के उद्घाटन समारोह के दौरान सूक्ष्म सिंचाई जागरूकता वाहन को हरी झंडी किसने दिखाई तो बताइए इसका इसका आंसर 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 क्या क्या आएगा आएगा तो फ्रेंड खट्टर हो गया बी अगला क्वेश्चन है राज्य स्तरीय अमृत सरोवर मिशन का शुभारंभ मनोहर लाल खट्टर ने कहा से किया तो ये कहा से किया बताइए तो फ्रेंड ये किया है नहारा से जो की पड़ता सोनीपत में आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री ने पानीपत में कहां पर नई सुगर मिल का उद्घाटन किया तो बताइए इसका इसका आंसर 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 क्या क्या तो फ्रेंड आएगा डाहर डी अगला क्वेश्चन है अमेरिका में हुई वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सिल्वर मेडल आंसर क्या हो गया बी क्या बी अगला क्वेश्चन है गुरुग्राम पुलिस की स्मार्ट पुलिसिंग योजना स्मार्ट ई बीट की शुरुआत किसके द्वारा की गई तो बताइए इसका इसका आंसर 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 क्या तो आएगा क्या आएगा आएगा तो फ्रेंड खट्टर हो गया सी अगला क्वेश्चन है नई दिल्ली में आयोजित भारतीय डेयरी उद्योग व तकनीकी एक्सपो 2022 में हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड को कौन सा स्थान मिला तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पहला आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा में किस उपोषण कटिबंधीय फल केंद्र में उन्तीस से तीस जून दो हजार बाईस तक दो दिवसीय तो है, तो है हरियाणा स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत आने वाले पांच सालों में लगभग कितने नए स्टार्टअप स्थापित किए जाएंगे तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पांच हजार आंसर क्या होगा इसका सी अगला क्वेश्चन है श्री कृष्ण की विराट स्वरूप मूर्ति का अनावरण मोहन भागवत ने कहा खनन सामग्री ढोने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए किसके द्वारा व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया तो बताइए इसका आंसर क्या तो आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा मनोहर लाल खट्टर आंसर क्या होगा इसका सी अगला क्वेश्चन है अंबाला में कितने करोड़ की लागत से बने अटल कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन मनोहर लाल अगला क्वेश्चन है भारतीय थल सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनने वाली अभिलाषा बरा किस जिले से संबंध रखती है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पंचकुला आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता दिवस 2022 पर हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों एवं जवानों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया तो बताइए इसका इसका आंसर 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 क्या तो आएगा क्या आएगा आएगा तो फ्रेंड हो गया डी अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे बड़े सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में से एक अमृत अस्पताल का उद्घाटन 24 अगस्त 2022 को तो नरेंद्र मोदी ने कहा किया तो बताइए इसका आंसर क्या तो आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा फरीदाबाद में आंसर क्या हो गया बी और ये कितने एकड़ भूमि पर बनेगा 130 एकड़ अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अठानवे संबंधित शिकायत के लिए जारी किया गया तो बताइए इसका इसका आंसर आंसर क्या आएगा तो आएगा तो फ्रेंड संबंधित आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है पशुओं में चल रही लंपिस की नामक बीमारी को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा सरकार किस मिशन पर काम कर रही है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका मिशन मोड आंसर क्या होगा इसका बी अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईएमटी खरखोदा में मारुति सुजुकी के तीसरे प्लांट की आधारशिला कब, कब रखी तो बताइए कब रखी तो फ्रेंड ये रखी थी 28 अगस्त 2022 को आंसर क्या हो गया ए और ये कितने एकड़ में बनेगा 900 एकड़ में अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने प्रदेश के कितने शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की है तो बताइए तो परिवार पहचान पत्र पर आधारित मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना पोर्टल को कब लॉन्च करके लोगों को समर्पित किया तो बताइए इसका आंसर क्या तो इसका आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा उनतीस अगस्त दो को आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है 2022 की राष्ट्रमंडल खेल कौन से नंबर के खेल थे तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 22वीं आंसर क्या हो गया बी अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 2026 में 23वें राष्ट्रमंडल खेल कहां होंगे तो ये कहां पे होंगे बताइए तो फ्रेंड ये होंगे ऑस्ट्रेलिया में आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है 2022 में 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहां हुई तो ये कहां पे हुए बताइए तो फ्रेंड ये हुए इंग्लैंड में आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है बाईस में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब से हुई थी तो तो बताइए इसका इसका आंसर आंसर क्या आएगा फ्रेंड आएगा 28 जुलाई 2022 से आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है बाईसवें राष्ट्रमंडल खेलों का समापन कब हुआ तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 8 अगस्त 2022 को आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा तो बताइए इसका इसका आंसर 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 क्या तो आएगा क्या आएगा आएगा तो फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया होगा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत इकसठ पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा तो बताइए इसका आंसर क्या तो इस आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा चौथे स्थान पर आंसर क्या हो गया सी सूची देख सकते हैं कौन सा देश कौन से स्थान पर रहा और किसने कितने मेडल जीते अगला क्वेश्चन है बर्मिंगम में बाईसवें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते तो बताइए इसका इसका आंसर आंसर क्या आएगा तो आएगा तो फ्रेंड डी स्वर्ण सोलह रजत तेईस का तो कुल मिला के कितने होंगे इकसठ अगला क्वेश्चन है बर्मिंगम में बाईसवें राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा बीस पदक तो आंसर क्या हो गया बी जिसमें से नौ थे स्वर्ण पांच रजत और छह कांस्य ठीक है थीके? अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था तो बताइए इसका आंसर क्या तो, friend, आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा तिरतालीस आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में गोल्ड जीता तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी आंसर क्या होगा इसका डी यानी इन नौ खिलाड़ियों ने क्या जीता स्वर्ण पदक अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किन खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सिल्वर मेडल जीता तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ए और बी दोनों तो आंसर क्या होगा इसका डी अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किन खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम दो में ब्रॉन्ज मेडल जीता तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा बी और सी दोनों तो आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है सिरसा जिले की सविता पुणे की कप्तानी में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कौन सा पदक जीता तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ब्रॉन्ज मेडल आंसर क्या होगा इसका सी अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था तो ये कौन था बताइए तो ये थी पीवी सिंधु आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में समापन समारोह में ध्वज वाहक कौन था तो ये कौन था बताइए तो फ्रेंड ये था बी और सी दोनों तो आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है भारत की तरफ से कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पहला गोल्ड किसने दिलाया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा मीराबाई चानू आंसर क्या हो गया डी और बात करें हरियाणा की तरफ से किस खिलाड़ी ने पहला गोल्ड जीता था बजरंग पुनिया ने अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार कितना इनाम देगी तो तो बताइए इसका इसका आंसर क्या आएगा फ्रेंड एक पॉइंट पांच करोड़ आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेलों में चौथे नंबर पर आने वाले खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार कितना इनाम देगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पंद्रह लाख आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में हरियाणा ने सबसे ज्यादा मेडल किस खेल में जीते तो ये किस खेल में जीते बताइए तो फ्रेंड ये जीते हैं कुश्ती में आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 16 अगस्त को कहा सम्मानित करेंगी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा गुरुग्राम क्या होगा सी हरियाणा के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं तो ये कौन बने हैं बताइए तो फ्रेंड ये बने हैं विजयवर्धन क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है हरियाणा के नए राज्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं तो ये बताइए कौन बने हैं तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा सत्यवीर सिंह फुलिया आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा के नए मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त को शपथ किसने दिलाई तो ये किसने दिलाई बताइए तो फ्रेंड ये दिलाई मनोहर लाल खट्टर ने आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा मंत्रिमंडल में निम्न में से किस विधायक को जोड़ा गया तो बताइए क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ए और बी दोनों आंसर क्या हो गया डी यानी दिवेंद्र बबली और कमल गुप्ता को जोड़ा गया अगला क्वेश्चन है दिवेंद्र बबली को कौन सा मंत्री बनाया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा राज्य मंत्री आंसर क्या हो गया ए देखो आंसर देने के लिए आपको मिलेगा मुश्किल से एक से दो सेकेंड अगर आपको इससे ज्यादा चाहिए तो आप वीडियो को पोज कर सकते हैं ठीक है अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कमल गुप्ता को कौन सा मंत्री बनाया गया तो बताइए इसका आंसर क्या होगा तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा राज्य मंत्री आंसर क्या होगा ए यानी देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता इन दोनों को क्या बनाया गया है राज्य मंत्री अगला क्वेश्चन है देवेंद्र बबली को कौन सा मंत्रालय मिला तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा बी और सी दोनों आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है पूरा तत्व एवं म्यूजियम विभाग दवेंद्र बबली से पहले किसके पास था तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा अनूप धारण आंसर क्या हो गया बी तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है जो अनूप धारण है ये कौन सी पार्टी से हैं तो बताइए बीजेपी से हैं जेजेपी से हैं कांग्रेस से हैं या फिर एन से हैं अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है फिर भी आंसर दे दीजिए आप इसका द्वेंद्र को कौन सा मंत्रालय मिला है तो ये कौन सा मंत्रालय मिला है बताइए तो फ्रेंड ये मिला है बी और सी दोनों आंसर क्या होगा डी अगला क्वेश्चन है कमल गुप्ता को कौन सा मंत्रालय मिला है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ए और बी दोनों आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है कमल गुप्ता कौन सी पार्टी के विधायक हैं हैं तो तो ये ये कौन सी पार्टी बताइए तो फ्रेंड ये है बीजेपी की आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है दवेंदर बबली कौन सी पार्टी के विधायक हैं तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा जेजेपी आंसर अं क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है द्विंदर बबली का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है तो बताइए ये कौन सा है तो फ्रेंड ये है टोहाना आंसर क्या होगा बी अगला क्वेश्चन है कमल गुप्ता का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा हिसार आंसर क्या होगा ए और इसके अलावा ये सारी डिटेल भी मैंने दे दी है अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं तो अगला क्वेश्चन है हरियाणा विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं तो बताइए कितने हो सकते हैं तो फ्रेंड ये हो सकते अधिकतम चौदह आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा विधानसभा में इस समय कितने मंत्री हैं तो कितने मंत्री हैं बताइए तो फ्रेंड ये है चौदह आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा विधानसभा में बीजेपी के कितने मंत्री हैं तो कितने मंत्री हैं बताइए तो फ्रेंड ये है दस आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा विधानसभा में जे के कितने मंत्री हैं तो कितने मंत्री हैं बताइए तो फ्रेंड ये है तीन आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा विधानसभा में एकमात्र निर्दलीय मंत्री कौन है तो ये कौन है बताइए तो फ्रेंड ये है रणजीत सिंह आंसर अं क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मंत्री जेजेपी पार्टी से नहीं है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा रणजीत सिंह आंसर क्या होगा डी क्योंकि ये क्या है निर्दलीय है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के गृह मंत्री कौन है तो हरियाणा के गृह मंत्री कौन है बताइए तो फ्रेंड ये है अनिल विज आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है निम्न में से अनिल विज के पास कौन सा मंत्रालय नहीं है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा गुप्तचर आंसर क्या होगा डी यानी अनिल विज के पास ये सभी मंत्रालय हैं लेकिन ये नहीं है ठीक है तो ये किसके पास है मनोहर लाल खट्टर के पास ऑप्शन टाइप के साथ साथ मैंने इनकी डिटेल भी दे रखी है यहाँ पे अगला क्वेश्चन है अनिल विज का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा अंबाला कैंट आंसर क्या हो गया ए ये आपको ध्यान में रखना है कंफ्यूज नहीं होना एक अंबाला सिटी है एक अंबाला कैंट लेकिन अनिल का क्षेत्र कौन सा है अंबाला कैंट अगला क्वेश्चन है अनिल का जन्म अंबाला में कब हुआ था तो तो बताइए इसका इसका आंसर आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड पंद्रह मार्च उन्नीस सौ त्रेपन को आंसर क्या हो गया ए कई क्वेश्चन तो क्वेश्चन में से ही बन जाते हैं जैसे अनिल विज का जन्म अंबाला में कब हुआ तो ये पूछ सकता है अनिल विज का जन्म कहां पे हुआ तो आंसर क्या हो गया अंबाला बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है अनिल विज ने एस कॉलेज अंबाला कैंट से बी पढ़ाई कब की थी? तो ये कब की थी बताइए। तो फ्रेंड ये की थी बहत्तर में आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हाल ही में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन है तो ये कौन है बताइए तो फ्रेंड ये है ज्ञानचंद गुप्ता आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा बंचकुला आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है ज्ञानचंद गुप्ता का संबंध कौन सी पार्टी से है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा बीजेपी आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा गृह मंत्री अनिल विज का संबंध किस पार्टी से है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा बीजेपी आंसर क्या हो गया ए तो अगला क्वेश्चन है हाल ही में हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है तो ये कौन है बताइए तो फ्रेंड ये है रणवीर गंगवा आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है तो ये कौन सा है ये है नलवा आंसर क्या हो गया बी विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा का संबंध कौन सी पार्टी से है तो ये कौन सी पार्टी से है बताइए तो फ्रेंड ये बीजेपी से आंसर क्या होगा ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा में बीजेपी पार्टी के नए प्रदेशाध्यक्ष कौन हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ओपी धनखड़ आंसर क्या होगा डी अगला क्वेश्चन है ज्ञानचंद गुप्ता का संबंध कौन सी पार्टी से है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा बीजेपी आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है तो ये क्षेत्र कौन सा है बताइए तो फ्रेंड इनका है बादली आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है ओम प्रकाश धनखड़ का जन्म एक अगस्त 1961 को किस जिले में हुआ था तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा झज्जर आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं तो ये कौन से नंबर के बने हैं बताइए तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा दसवें आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है मनोहर लाल खट्टर ने दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ कब ली तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 27 अक्टूबर 2019 आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका मनोहर लाल संबंध कौन सी पार्टी से है बताइए तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा बीजेपी आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है नीमन में से मनोहर लाल खट्टर के पास कौन सा मंत्रालय नहीं है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो इसका आंसर आ जाएगा चिकित्सा शिक्षा आंसर क्या हो गया सी यानी इसके अलावा सभी मंत्रालय किसके पास है ये मनोलाल खट्टर के पास आपको ये ध्यान में रखना है इनको भी याद कर लेना आप अगला क्वेश्चन है पांच मई उन्नीस को मनोलाल खट्टर का जन्म कहाँ पर पंजाबी खतरी परिवार में हुआ तो कहां पे हुआ था ये बताइए तो फ्रेंड ये हुआ था निदाना गांव में आंसर क्या हो गया ए e. और ये गांव कहां पे पड़ता है महम में अगर बात करें जिले की तो है रोहतक में अगला क्वेश्चन है हरियाणा के वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है तो ये कौन है बताइए तो फ्रेंड ये मनोहर लाल खट्टर ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई किस यूनिवर्सिटी से की तो कौन सी यूनिवर्सिटी से की थी बताइए तो फ्रेंड ये की थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कौन है तो ये कौन है बताइए तो फ्रेंड ये है दुष्यंत चौटाला आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है दुष्यंत का संबंध कौन सी पार्टी से है तो बताइए क्या आएगा तो इसका आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा उच्चाण कला आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है नीमन में से दूस चौटाला के पास कौन सा मंत्रालय नहीं है तो बताइए क्या आएगा तो फ्रेंड आ जाएगा वन और आंसर पर्यटन क्वेश्चन है दूषण चौटाला हरियाणा के कौन से नंबर के उप मुख्यमंत्री बने तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा छठे आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है जेजेपी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा चाबी आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है अप्रैल उन्नीस को दुष्यंत चौटाला का जन्म कहां पर हुआ था तो ये कहां पे हुआ था बताइए तो फ्रेंड ये हुआ था हिसार में आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस नेता ने अमेरिका के कैलिफोर्निया की कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से बीएससी की तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा दुष्यंत चौटाला आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है, है? तो ये कौन है बताइए तो फ्रेंड ये सुभाष बराला आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा कवरपाल गुज्जर आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है कंवरपाल गुज्जर का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है Kavarpal, Gugjar, kavidhan, तो ये कौन सा है बताइए तो फ्रेंड ये है जगादरी आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है कवरपाल गुज्जर का संबंध कौन सी पार्टी से है तो बताइए क्या आएगा तो फ्रेंड आ जाएगा बीजेपी आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कवरपाल गुज्जर के पास कौन सा मंत्रालय नहीं है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा चिकित्सा शिक्षा आंसर क्या हो गया सी इसके अलावा ए बी और डी इनमें जो भी मंत्रालय हैं ये सभी किसके पास हैं कंवरपाल गुज्जर के पास अगला क्वेश्चन है हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन है तो ये कौन है बताइए तो फ्रेंड ये है मूलचंद शर्मा आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है मूलचंद शर्मा का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है तो ये कौन सा है बताइए तो फ्रेंड ये है बल्लभगढ़ आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है मूलचंद शर्मा का संबंध कौन सी पार्टी से है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा बीजेपी आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है नीमन में से मूलचंद शर्मा के पास कौन सा मंत्रालय नहीं है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा डी यानी ए बी और सी इनमें जितने भी मंत्रालय हैं ये सभी किसके पास है मूलचंद शर्मा के पास अगला क्वेश्चन है हरियाणा के बिजली मंत्री कौन है तो ये कौन है बताइए तो फ्रेंड ये सिंह आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा के जेल मंत्री कौन है तो ये, है? ये है रणजीत सिंह आंसर क्या बी अगला क्वेश्चन है सिंह का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है तो ये कौन सा है बताइए तो फ्रेंड ये है रानिया आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा जयप्रकाश दलाल आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश दलाल का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है तो ये कौन सा है बताइए तो फ्रेंड यह है लोहारू आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश दलाल का संबंध कौन सी पार्टी से है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा बीजेपी आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है निम्न में से जयप्रकाश दलाल के पास कौन सा मंत्रालय नहीं है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा बिजली आंसर क्या होगा डी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में अनुसूचित जाति व पिछड़ा कल्याण मंत्री कौन है तो ये कौन है बताइए तो फ्रेंड ये है बनवारी लाल आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा में सहकारिता मंत्री कौन है तो ये कौन है ये है बनवारी लाल तो आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा में महिला व बाल विकास मंत्री कौन है तो ये कौन है तो ये है कमलेश ढांडा आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है कमलेश ढांडा का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है तो ये कौन सा है बताइए तो फ्रेंड ये है कलायत आंसर क्या हो गया ए और कलायत किस जिले में आता है कैथल में अगला क्वेश्चन है हरियाणा में खेल व युवा मामलों के मंत्री कौन है तो ये कौन है बताइए तो फ्रेंड ये है संदीप सिंह आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है संदीप सिंह का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है तो ये कौन सा है बताइए तो फ्रेंड ये है पेवा आंसर क्या होगा डी और पेवा किस जिले में आता है कुरुक्षेत्र में अगला क्वेश्चन है संदीप सिंह का संबंध किस खेल से था तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा हॉकी आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में सामाजिक न्याय व आधिकारिकता मंत्री सैनिक व अर्ध सैनिक कल्याण मंत्री कौन है तो ये कौन है बताइए तो फ्रेंड ये है ओम प्रकाश यादव आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है ओम प्रकाश यादव का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है तो ये कौन सा है बताइए तो ये है नारनोल आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है ओम प्रकाश यादव का संबंध कौन सी पार्टी से है तो कौन सी पार्टी से हैं तो यह है बीजेपी से ही आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है अनूप धानक का संबंध कौन सी पार्टी से हैं तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा जेजेपी आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है अनूप धानक का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है तो ये कौन सा है बताइए तो फ्रेंड यह है उकलाना आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका अनूप धानक हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा के नए राज्यपाल कौन है तो कौन है तो फ्रेंड ये है भंडारू दत्तात्रेय आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा के राज्यपाल भंडारू दत्तात्रेय कौन से नंबर के राज्यपाल हैं तो ये कौन से नंबर के हैं बताइए तो फ्रेंड ये है अठारहवें नंबर के आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है एचसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं तो ये कौन है बताइए तो फ्रेंड ये है भोपाल सिंह आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा सुगर फेड का चेयरमैन कौन है तो ये कौन है बताइए तो फ्रेंड ये है रामकरण आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा के पैंतीसवें मुख्य सचिव कौन है यानी चीफ सेक्रेटरी कौन है तो ये कौन है तो फ्रेंड ये है संजीव कौशल आंसर क्या हो गया बी और इनसे पहले कौन थे विजयवर्धन अगला क्वेश्चन है पैंतीसवें नंबर के पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो ये कौन है बताइए तो फ्रेंड ये है रविशंकर झा आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा मानव अधिकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं तो ये कौन है बताइए तो फ्रेंड ये हैं सतीश कुमार मित्तल आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा के लोक आयुक्त कौन है तो ये कौन है बताइए तो फ्रेंड ये है हरिपाल वर्मा आंसर क्या हो गया ए e. अगला क्वेश्चन है हरियाणा के नए चुनाव आयुक्त कौन है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा धनपत सिंह आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा रेनू भाटिया आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष कौन है तो ये कौन है बताइए तो फ्रेंड ये है प्रीति भारद्वाज आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा के महाधिवक्ता कौन है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा बलदेव महाजन आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा उर्दू अकादमी के निर्देशक कौन है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका हो तरीका सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा लोकसभा सीट गुरुग्राम से सांसद कौन है तो ये कौन है ये राविंदरजीत सिंह आंसर क्या हो गया ए देखो 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें हरियाणा की 10 की 10 सीटों से कौन जीती थी बीजेपी यानी जितने भी मैं सांसद बताऊंगा वो कौन सी पार्टी से हैं बीजेपी से यानी भाजपा से ठीक है और वैसे मैंने यहां पे लिख भी दिया है अगला क्वेश्चन है हरियाणा लोकसभा सीट फरीदाबाद से सांसद कौन है तो ये कौन है ये है कृष्णपाल गुज्जर आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा लोकसभा सीट कुरुक्षेत्र से सांसद कौन है तो ये कौन है बताइए तो ये है नायब सैनी आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा लोकसभा सीट सिरसा से सांसद कौन है तो ये कौन है बताइए तो फ्रेंड ये है सुनीता दुग्गल आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है हरियाणा लोकसभा सीट हिसार से सांसद कौन है तो ये कौन है तो ये है फ्रेंड व्रजेंदर सिंह आंसर क्या हो गया ए हरियाणा लोकसभा सीट करनाल से सांसद कौन है तो ये कौन है बताइए तो फ्रेंड ये है संजय भाटिया आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा लोकसभा सीट सोनीपत से सांसद कौन है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका रमेश कौशिक आंसर क्या हो गया अगला सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा लोकसभा सीट रोहतक से सांसद कौन है तो ये कौन है बताइए तो फ्रेंड ये है अरविंद शर्मा आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है हरियाणा लोकसभा सीट भिवानी से सी सांसद कौन है तो ये कौन है बताइए तो फ्रेंड ये है धर्मवीर सिंह आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा लोकसभा सीट अंबाला से सी सांसद कौन है तो ये कौन है बताइए तो फ्रेंड ये रतन लाल कटारिया आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा तीर अंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं तो ये कौन बने हैं बताइए तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा कैप्टन अभिमन्यु आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन कौन बने हैं तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आ जाएगा, टी सी गुप्ता आंसर क्या होगा ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के चेयरमैन कौन है तो ये कौन है बताइए तो फ्रेंड ये है निर्मल बिरागी आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन कौन है तो ये कौन है बताइए तो फ्रेंड ये है रामनिवास गर्ग आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरको बैंक के अध्यक्ष कौन है तो ये कौन है बताइए तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा अरविंद यादव आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है हरियाणा युवा आयोग के अध्यक्ष कौन है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा मुकेश गोड आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष कौन है तो ये कौन है बताइए तो फ्रेंड ये है पवन खरखोदा आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा डेयरी विकास संघ के चेयरमैन कौन है तो ये कौन है बताइए तो फ्रेंड ये है रणधीर सिंह आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन कौन है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा धूमन सिंह किरमिच आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा आवास बोर्ड का अध्यक्ष कौन है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा जोगी सिहाग आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के नए चेयरमैन कौन है तो ये कौन है बताइए तो फ्रेंड ये है डी एस डे सी आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा आलोक वर्मा आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है तो ये कौन है बताइए तो फ्रेंड ये है दीप्ति उमाशंकर आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है एच के अध्यक्ष कौन है तो ये कौन है बताइए तो फ्रेंड ये है जगवीर सिंह तो आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है तो ये कौन है बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आंसर क्या हो गया सी और ये यहाँ पे मैंने डिटेल दे दी है इसकी अगला क्वेश्चन है हरियाणा पर्यटन निगम का चेयरमैन कौन है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा रणधीर सिंह गोलन आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है हरियाणा भंडारा निगम के चेयरमैन कौन है तो ये कौन है बताइए तो फ्रेंड ये है नैनपाल रावत आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन कौन है तो ये कौन है बताइए तो फ्रेंड ये है सतीश कौशिक आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड ये है राज्यपाल आंसर क्या हो गया ई और इस समय हरियाणा के राज्यपाल है? है, कौन हैं भंडारू दत्तात्रेय अगला क्वेश्चन है हरियाणा भूमि सुधार व विकास निगम के अध्यक्ष कौन हैं तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा जगदीश नेयर आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा कृषि उद्योग निगम का अध्यक्ष कौन है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा राकेश दौलताबाद आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है हरियाणा खाद्य एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन कौन हैं तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा राम निवास आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है हेफेड बाजार का चेयरमैन कौन है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा कैलाश भगत आंसर क्या हो गया सी और इसके अलावा जो हरियाणा के नए डीजीपी हैं उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल में जानकारी दे दी है यहाँ पे और इसके साथ साथ जो हरियाणा के नए राज्यपाल हैं उससे संबंधित भी सभी प्रश्न यहाँ पर दे दिए मैंने यानी जो हरियाणा के नए राज्यपाल है भंडारू दत्तात्रेय इससे जितने भी क्वेश्चन बनते थे उन सभी के बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया है वैसे तो जितने भी क्वेश्चन है वो ऑप्शन टाइप भी हैं और साथ में उनकी डिटेल भी दे रखी है अगर आप इसकी पी फाइल चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर अस्सी पर मैसेज कर सकते हैं हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे और आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं आपको सर्च करना है एजुकेशन गुरु अगला क्वेश्चन है कृष्णा सर्किट थीम परियोजना के तहत महाभारत थीम पार्क स्थापित किया गया है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड कुरुक्षेत्र आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस स्थान पर 40 फीट ऊंची भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ज्योति सर आंसर क्या हो गया ई क्वेश्चन नंबर आठ सौ इकहत्तर है हरियाणा के किस शहर के धांसू रोड पर डियर पार्क में वन्य जीवों के तुरंत उपचार के लिए एक करोड़ की लागत से ऑपरेशन थिएटर बनाया जाएगा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा हिसार आंसर क्या होगा बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा में बुढ़ापा व अन्य सामाजिक पेंशन को लेकर हो रही शिकायतों को दूर करने के लिए विशेष अभियान कब से कब तक चला तो बताइए आंसर 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 क्या तो क्या आएगा आएगा तो फ्रेंड इसका 19 से 30 सितंबर हो गया सी अगला क्वेश्चन है ज्योति वंदा और राजेंद्र धीमान को हरियाणा सेवा आयोग के सदस्य की शपथ किसने दिलाई तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा राज्यपाल भंडारू दत्तात्रेय आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा वीर व शहीद दिवस कब मनाया गया तो बताइए आंसर 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 क्या तो क्या आएगा आएगा तो फ्रेंड इसका सितंबर सितंबर हो गया सी अगला क्वेश्चन है 16 से 18 2022 तक किस देश में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा कनाडा आंसर क्या होगा डी अगला क्वेश्चन है नीमन में से किसके द्वारा सफलता की कहानियां नामक पुस्तक का विमोचन किया गया तो बताइए इसका आंसर क्या तो, इसका आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा मनोहर लाल खट्टर आंसर क्या हो गया इसका बी अगला क्वेश्चन है कुपोषण मुक्त हरियाणा की परिकल्पना के तहत राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया तो कब से कब तक मनाया गया तो ये बनाया गया सितंबर मंथ तो आंसर क्या हो गया एक से तीस सितंबर तो आंसर हो गया ए अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कितने नए उपमंडल बनाए गए तो ये कितने बनाए गए बताइए तो फ्रेंड ये बनाए गए आठ आंसर क्या हो गया बी जो आठ नए उपमंडल बने हैं उनको आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये आठ नए उपमंडल बने हैं हैं अब देखते अगला क्वेश्चन हरियाणा में आठ नए उपमंडल बनने के बाद कुल कितने उपमंडल हो जाएंगे तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा देखो पहले थे चौहत्तर आठ और जुड़ गए इसमें कितने हो गए बयासी तो आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है राज्य स्तरीय शिक्षक समारोह 2022 हजार बाईस आयोजित किया गया तो ये किया गया बताइए तो फ्रेंड ये किया गया पंचकुला में ही आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है राज्य स्तरीय शिक्षक समारोह में प्रदेश के बानवे शिक्षकों को किसने सम्मानित किया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा भंडारू दत्तात्रेय आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है 4 सितंबर 2022 को मनोहर लाल खट्टर ने 2000 करोड़ से अधिक की कितनी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा एक अगला क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड में खेली गई डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कितने अठासी पॉइंट चौवालीस आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप दो में बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता तो बताइए जीता ब्रॉन्ज मेडल आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में बजरंग पुनिया ने कितने भार वर्ग में कश्य पदक जीता तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पैंसठ केजी में आंसर क्या होगा डी अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा कश्य पदक आंसर क्या होगा सी देखो भारत ने सिर्फ दो पदक जीते थे दोनों कांस्य और वो दोनों पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते एक होगी विनेश फोगाट दूसरा बजरंग पुनिया अगला क्वेश्चन है सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में विनेश फोगाट ने कितने भार वर्ग में कांस्य पदक जीता तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा त्रेपन के जी में आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड कप कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने पदक जीते तो बताइए इस आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा दो आंसर हो गया बी अगला, अगला क्वेश्चन है शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां स्थित है तो ये कहां पे है तो फ्रेंड ये है चंडीगढ़ में आंसर क्या हो गया बी अगला क्वेश्चन है हाल ही में रेल मंत्रालय ने हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन को विश्व सत्र का बनाने की घोषणा की है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा गुरुग्राम आंसर क्या होगा सी और जो पंचकुला का रेलवे स्टेशन है यह बनेगा चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की तर्ज पर अगला क्वेश्चन है में से किस देश ने पार्क का नाम श्री भगवत गीता पार्क रखा है तो उस देश का नाम बताइए तो फ्रेंड उसका नाम है कनाडा आंसर क्या हो गया डी अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 हजार कुरुक्षेत्र में कब से कब तक मनाया जाएगा तो फ्रेंड इसका आंसर क्या आएगा बताइए तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक आंसर क्या हो गया ए अगला क्वेश्चन है 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक चलने वाले अंतरराष्ट्रीय कौन से नंबर का है तो ये कौन से नंबर का है बताइए तो तो फ्रेंड ये सातवें नंबर का है है आंसर क्या होगा सी तो आज के लिए आपका क्वेश्चन जो गीता महोत्सव है इसकी शुरुआत कब हुई थी अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2023 में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव किस देश में मनाया जाएगा तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया आंसर क्या होगा बी अगला क्वेश्चन है हरियाणा तलवारबाजी संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया तो बताइए तो कोर्ट में कितने नए जजों की नियुक्ति की गई है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ए ग्यारह जजों की अगला क्वेश्चन है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में ग्यारह नए जजों की नियुक्ति के बाद कुल जजों की संख्या कितनी हो गई तो ये कितनी हो गई है बताइए तो फ्रेंड ये हो गई सतावन आंसर क्या हो गया सी पहले कितने थे छियालीस ग्यारह और जुड़ गए कितने हो गए और अधिकतम कितने हो सकते हैं यानी अभी भी 28 सीटें खाली हैं अगला क्वेश्चन है भारत में हरियाणा विधानसभा कौन से नंबर की डिजिटल विधानसभा बनी तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पांचवी आंसर क्या हो गया सी तो पहली कौन सी बनी थी ये भी पता होना चाहिए तो ये बनी थी हिमाचल प्रदेश ठीक है अब देखते है कुछन। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है हरियाणा के डीजीपी प्रशांत कुमार अग्रवाल कौन से बैच के आईपीएस अधिकारी हैं तो बताइए इसका आंसर क्या तो आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन है भंडारू दत्तात्रेय हरियाणा से पहले कहां के राज्यपाल थे तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश आंसर क्या होगा डी तो फ्रेंड मैंने कुल 900 क्वेश्चन करा दिए हैं आपको हरियाणा करंट अफेयर की अगर आपको इन 900 के 900 क्वेश्चन की पी फाइल चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको गूगल पे हमारी वेबसाइट सर्च करनी है एजुकेशन गुरुजी डॉट इन वहां से भी इस पी डी को डाउनलोड कर सकते हैं और इन नौ क्वेश्चन में आपका कंप्लीट हरियाणा करंट अफेयर हो जाएगा इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है सिर्फ हरियाणा करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ मैं और ये जो 900 क्वेश्चन है ये आपके आने वाले सी टी के एग्जाम और एच टेट एग्जाम जैसे टी जी टी का हो गया या फिर पी जी टी का हो गया उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी तो फ्रेंड जल्दी जल्दी कॉमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कॉमेंट कर सकते हैं हम उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे ओके फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही जल्द मिलते नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम